अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बम्बे वो जोर लगा के हैया हो, अकड़ बकड़ बम्बे वो जोर लगा के हैया हो, दुनिया दी ना फिकर करो जो हुंदा है हो जाने दो। लाई बयारो भूत बसंती टेढ़ी मेड़ी पैड़ी चंगी, लाई बयारो भूत बसंती टेढ़ी मेड़ी पैड़ी चंगी, ऐसा मैं उलझा कंगाल हो गया, पंगा पै गया ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी पै गया कमाल हो गया। अकड़ बकड़ बम्बे वो जोर लगा के हैया हो, दुनिया दी ना फिकर करो जो हुंदा है हो जाने दो। नौ दो ग्यारह हो गई खुशियां उड़ गए तोते बैंड बजा, नौ दो ग्यारह हो गई खुशियां उड़ गए तोते बैंड बजा, तीन कनस्तर खाली हो गए दिल दा यारो होश उड़ा, अंदर अंदर अग सुलगदी, अंदर अंदर अग सुलगदी, जो चावा ओ नहीं ओ मिलती, किनू दसा की यारो मेरे नाल हो गया, पंगा पै गया ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी पै गया कमाल हो गया। कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? भैया भैया भाभी जी घर के फोन की घंटी बज रही है, कोई उठा नहीं रहा, लगता है भाभी जी यहाँ के लिए निकल चुकी है। हाँ पप्पू, आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। है? वो क्यों? क्योंकि आज मैं सुनीता को घर से भगा कर ले जा रहा हूँ। हाँ भैया भैया ले लीजिए। ये क्या भैया? रात भर फिल्म की डीवीडी देखकर ये रोमांटिक डायलॉग लिखाओ भैया, भाभी जी के मांग में सिंदूर भरकर ये रोमांटिक डायलॉग बोलना, भाभी जी अच्छा फील करेगी, फोन की घंटी बज रही है, भाभी जी का ही होगा। उठाओ हाँ, पकड़ ये पकड़। हेलो, सुनीता ने जहर खा लिया। बेटे बहू ने एक महीने पहले यहाँ दाखिल कर गए थे, पलट कर नहीं आए, कैसा जमाना आ गया है। क्या लगता है बच पाएगी या नहीं? हरीश, हमारा काम है कोशिश करना और वो हम कर रहे हैं जी। तुम जाओ जरा वो मेडिसिन की ट्रे लेकर आओ जल्दी। ए हरीश। हाँ। कैसी है मेरी बेटी? बहन जी इलाज चल रहा है, डॉक्टर लगे हुए हैं, सब ठीक हो जाएगा। भैया चलो। कहाँ? जल्दी चलो।
हॉस्पिटल जाना है, थर्ड गियर में चलाना भाई। भैया भैया अच्छा वाओ, भैया अच्छा वाओ। अबे कहाँ है तू? अरे यार मैं कहाँ जाऊँ? अरे तेरी भाभी ने जहर खा लिया। हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है यार। लगता है कलवान ने भाभी को चिट्ठी नहीं दिया। ये सब तो पता नहीं, भाई के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन रिक्शा पे क्यों जा रहे हो? अपनी बाइक पे चलो ना। हाँ लेकिन बाइक है कहाँ पे? अरे पीछे खड़ी है। चलो भैया चलो। ठीक है। अरे मेरे पैसे, अरे ओ भाई ओ। अरे क्या कर रही है? बता ही दे रही हूँ, मेरी सुनीता को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे आग लगा दूंगी तुम्हारे इस अस्पताल में। अरे कोशिश कर रहे हैं बहन जी, कोशिश कर रहे हैं। मार डालेगी बुढ़िया मेरे को। लो रखो। डॉक्टर साहब इस बार तो बुढ़िया ने मेरा गला ही दबा दिया। अब मुझे फाइनल बताइए कि ये बचेगी या नहीं। हरीश देखो साइन काफी पॉजिटिव है जी। अभी इसने सूखी उल्टी करी। हाँ। अगर एक मिनट के अंदर इसने वापस सूखी उल्टी किया हाँ। तो आउट ऑफ डेंजर समझो, बच जाएगी। अच्छा। तुम जाओ थोड़ा कॉटन लेकर आओ। नहीं साहब मैं सोचता हूँ एक मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे एक सेकंड, जस्ट वेट, इसमें रिजल्ट टाइम से पहले ही आ रहा है। अरे इसने तो सूखी उल्टी नहीं की। कितना टाइम बोलो? मैक्सिमम 48 आवर्स। भैया जी सिंदूर ले लिया हूँ, आज भाभी जी के मांग कूट कूट के भरना, कमिटमेंट पूरा करना अपना। तो जल्दी बैठ, निदान की घड़ी आपकी है। चलो भैया। कमला बहन हो जा गया मेरी सुनीता को। कुछ बोली वो? नहीं बहन जी, हालत बहुत बिगड़ गई है, जहर फैलता ही जा रहा है। डॉक्टरों की सारी कोशिश नाकाम हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। अरे क्या कह रहा है तू? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। शांत हो जा। मैंने कहा था ना तुझे, अगर मेरी सुनीता को कुछ हो गया तो आग लगा दूंगी इस अस्पताल में। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए सुनिए। देखिए हमने जहर नहीं दिया आपकी बेटी को, हमने उसे बचाने की कोशिश की है। सारे डॉक्टर्स लग गए उसके उसके जहर को निकालने के लिए, लेकिन क्या करें। अब मेरी बात सुनिए, एक काम कीजिए, मुश्किल से 2 दिन बचे हैं आपकी बेटी के पास, बेहतर ये होगा कि आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला लें। भाभी जी ठीक हो जाएगी, जहर निकल जाएगा। जहर निकलना ही चाहिए पप्पू, तभी तो मैं उसकी मांग भर पाऊंगा, कमिटमेंट है मेरा उससे। अरे तेरी जी जी, तेरी अरे भाभी जी वो कुछ हो तो नहीं गया है? भगवान चाची जी सुनीता जी कैसी है? कौन है रे तू? चाची जी आप मुझे नहीं जानती हो, लेकिन सुनीता भाभी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। भाभी? हाँ हाँ होने वाली भाभी। अरे भाड़ू उतारी हेलमेट। भैया का नाम भाड़ू भी है? आंटी मेरी सुनीता कैसी है? अरे मर रही है। अरे तेरी सुनीता, मेरी बच्ची मर रही है। आंटी कुछ नहीं होगा मेरी सुनीता को। अगर कुछ हो गया ना तो बता रही हूँ तेरे बाप में और तुझ में आग लगा के रख दूंगी मैं। चल रे कलुआ। भैया जी टेंशन मत लो, केला भी खिला दूंगा ना, तू चिंता मत कर, सब अम्मा अम्मा केला ले लू। केला? अरे गरम जले, बहन मर रही है, तुझे केला खाने की पड़ रही है। अरे तेरे मौसा जी को फोन करना है। अरे अम्मा इनके पास फोन है, यही से कर लो। मेरा भैया एक फोन करने दोगे? राम 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 राम। जल्दी 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 कर लो। राम 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 राम। अरे फोन उठा लो। अरे बहन जी, अरे सुनाई नहीं दे रहा, घंटी बज रही, फोन उठा लो। राम राम। अरे भगवान मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कान की मशीन लगाओगे तो सुनाई देगा ना, बहरे कहीं के। अरे इसमें से तो आवाज ही ना आ रही है। हेलो हेलो। अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा, कुछ जोर से बोलो। जीजा जी। कमला तू क्या हुआ? अरे सुनीता तो गई। अरे बस 2 दिन बचे हैं जीजा जी। सुनीता चल बसी। सबको खबर कर देना जीजा जी। तुम फिक्र मत करो, हम लोग करते इन्फॉर्म सबको। पूरा हॉस्पिटल छान मारा, भाभी जी का पता ही नहीं चला। भैया भाभी जी का वार्ड नंबर और बेड नंबर पता ही नहीं चल रहा। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया मैं अपनी जी जी से। गया नहीं तू अभी तक? आंटी
मैं एक बार सुनीता से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। क्यों चाची जी? दिलदार भैया भाभी जी की मांग भरना चाहते हैं। मांग? हाँ आंटी, सुनीता और मैंने जब भी संगरूर के किले पे, चंडीगढ़ के रोज गार्डन में, करनाल की नहर पे जब भी गाने गाए, गाना खत्म होने के बाद हमेशा उसने मुझसे यही कहा कि जब भी मरूं सुहागन मरूं, तेरी होकर मरूं। इसलिए मरने से पहले मैं उसके एक बार मांग भरना चाहता हूं। मैं सिंदूर भी लेकर आया हूं आंटी। अरे आग लगे तेरे सिंदूर को, मरते मरते सुनीता की मांग भर के उसे बदनाम करना चाहता है तू? अरे जा, चला जा अपने घर और अपने बाप के साथ जेल जाने की तैयारी शुरू कर दे। हेलो। हाँ मिथिलेश जी, मैं हरिओम बोल रहा हूँ। हाँ हरिओम जी, बोलिए बोलिए। अलका की छोटी बहन सुनीता, सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे आप अलका और ललित दोनों को तुरंत यहाँ भेजिए। हाँ वो क्या है ना कि वो लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे, तो वो अभी लौटने वाले हैं बस। तो जैसे ही वो लौट के आते हैं मैं उनको उल्टे पैर वापस भेज दूंगा। अच्छा एक बार बताओ, वो गिरधारी लाल जी को फोन कर दिया कि नहीं? गिरधारी लाल जी को खबर? अरे गिरधारी लाल को सबसे लास्ट में कवर करना, आग लगा दूंगी उसे पहले खबर की। अरे उस अमीर के पास तो हेलीकॉप्टर में उड़ के पहुंच जाएगा, हमें तो 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे बाद खबर करियो कसम। अरे भगवान, ठीक है ठीक है, सुन लिया मिथिलेश जी। यार तुम जो है तमाशा खड़ा करवाओगे और कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि वो सुनीता के सगे ताऊ जी हैं, हमसे ज्यादा निकट का रिश्ता उनके साथ है, हम तो फिर भी दूर के रिश्तेदार हैं। बस बस आप फोन रखिए, मैं अभी उन्हीं को खबर कर रहा हूँ। जयराम जी की, ललित को फोन लगाता हूँ। फिर ऑफ। अम्मा जीजी कब उठेगी? अरे क्या पता कब उठेगी, पता नहीं उठेगी भी कि नहीं। अच्छा तो फिर ये जीजी को कैसे दूंगा मैं? ये क्या है? चिट्ठी है। सुनीता मैं अपने पापा द्वारा किए गए व्यवहार से बहुत दुखी, बस तुम बैग लेकर बस अड्डे पे आ जाओ, हम दोनों भाग चलते हैं शहर छोड़ के। बिलास में रख रही? ओ सुसाइड नोट लगता है। हाँ हरीश क्या रिपोर्ट है? लड़की सुसाइड नोट लिख के मर रही है। तुम्हारे सामने लिखा है? नहीं सर, लिख के माँ को दिया, माँ ने अपने पास रख लिया। अरे तो सुसाइड नोट को हासिल करने की कोशिश करो बेटा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सर जी ब्लाउज के अंदर छुपा के रखा है बुढ़िया ने, हाथ डाल दूं? ये लड़की के बचने के कितने चांसेस हैं? 2-3 दिन झेल पाएगी बस। मामा फोन। आई बेटा। अच्छा होमवर्क पूरा करना है। ओके मामा। हेलो मैं हरिओम मौसा जी बोल रहा हूँ। अरे 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 अमित है। अरे वो, अरे पता नहीं कोई चूड़ियों की आवाजें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा बहू होगी। अरे ससुर लगते हो तुम उसके। अरे फोन पे घूंघट कर लिया होगा, लाओ हमें दो हम बात करते हैं। आशा बेटी। जी मौसी जी प्रणाम। सुनीता नहीं रही। क्या हुआ मौसी जी? अरे कुछ पता नहीं, तेरे मौसा जी मनुष्य ने पहला फोन उठाया और सुनीता मर गई। बेटा अमित कहाँ है? अमित पापा जी के दोस्त के चौथे में गए हैं। अरे सत्यानाश जाए वहाँ फोन लगाए, वहाँ भी चौथा हो गया। अरे तेरा गमंडी ससुर कहाँ है? कह देना उस लाश पीटे को सुनीता नहीं रही, आ जाएगा हेलीकॉप्टर में। सुबह सुबह खड़े हो गए, मुझे उठा, मुझे कहने लगे बेटा मुझे बहुत जोर से मरोड़ आ रही है, मुझे लेटरिन लेके जाओ। 11 बजे ना? 4 बजे 4 बजे हो गए। 11 बजे की बात बोलना? नहीं 4 बजे 4 बजे मरोड़ आई। 4 बजे उठा के मैं उन्हें लेटरिन लेके गया, उन्होंने कहा बेटा मुझे लेटरिन में बैठाओ। लेटरिन में बैठाया, मैंने कहा बाबूजी मैं यहीं पर हूँ आप आराम से कीजिए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए,
30 मिनट बाबूजी की आवाज नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। हे भगवान, रस्तों की जी को कहां से उठाया? जाके मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो हैं? बाबूजी की कोई आवाज नहीं है। आधे घंटे के बाद मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी, अंदर जाके देखा तो हार्ट अटैक। बाबूजी पाजामे का नाड़ा बांध रहे थे। नाड़ा बांध रहे थे? नाड़ा बांध रहे थे। बाल बाल बचे रस्तोगी जी, भगवान ने फिर नहीं। मुझे याद है 6 महीने के बाद उस दिन उनको चाय बना के दी, मुझे कहने लगे तुलसी के पत्ते वाली चाय बना। मुझे क्या पता था मैं आखिरी बार बाबूजी को चाय पिला रहा। आगे बोल। आगे फिर उन्होंने चाय पी ली, मुझे क्या पता था आखिरी बार तुलसी के पत्ते वाली चाय पिला रहा। अरे रस्तोगी जी मरे हैं कि नहीं? अरे यार मरे हैं तभी तो इधर चौथे में आए हैं। चाय पीने के बाद मुझे कहने लगे बेटा मुझे माला दो, माला दो। मैंने एक माला लाखी थी, रोज श्री कृष्णा नमा की 11 मालाएं जपते थे, उस वक्त भी माला मांगी, रजाई ओढ़ के माला जपने लगे। फिर मैं जाके थोड़ी देर सो गया, सुबह 10 बजे तक नहीं उठाया उनको। 10 बजे गया मैं, मैंने बाबू जी को हिलाया, बाबू जी आप ठीक तो हैं? कोई हुई नहीं, कुछ हुई नहीं, आवाज ही नहीं आई। सारे घर वाले जमा हो गए, फिर जाके पूरी रजाई खींची, देखा उंगलियां चल रही थी, माला माला जप रहे थे। उंगलियां तो मोक्ष मिल गया होगा, तू माला में ही अटका हुआ है। चल चल चल, मरे हुए बाप को भी किस्सा बना दिया। बाबूजी की बात का बुरा मत मानना। हाँ। बहुत बड़े सदमे में थे, मुझे बड़े जोर से मार के गए। मैं चलता हूँ, बाद ना के सुनूंगा। भाई जरा रास्ता देना। लो जी ये है रिश्तेदार। ये बाडू रिश्तेदार? हाँ, हाँ। अरे अम्मा, ए, अम्मा दिख रही हूँ क्या तुझे? उम्र में तेरे से छोटी हूँ। अच्छा मेरी बहन, मेरी बेटी। हाँ। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी छोरी ने ना खा लिया जहर, अब यो हो गया है पुलिस केस। अब वो सुसाइड नोट ना मरने दे दे। अरे ये सुसाइड नोट मरने दे सुनीता को, पूरी दुनिया को दिखा के ना, तब पुलिस को दूंगी मैं। ए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वहां भी पहुंच जाएगा समझी? हाथ मत लगाना वरना कानून के हाथ भी काट के रख दूंगी। सर बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, यहाँ बनता है सर। बनता है? हाँ। ए, सुन ले मेरी बात, जब मैं पहली बार कमिटमेंट करता हूँ ना तो खुद की नहीं मानता हूँ, और जब मैं दूसरी बार कमिटमेंट करता हूँ ना तो सामने वाला नहीं मानता है, और जब मैं तीसरी बार कमिटमेंट करता हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, और चौथी बार तो कमिटमेंट सर करते ही नहीं है। अरे आग लगा दे अपने इस कमिटमेंट को, चल रे कलुआ। चलो तू है? चलो। अरे यो तो भैया, एक मिनट तू, अरे भूल गया था। बोलो। अब तो आप अपना फोन ऑन कर लीजिए ना, बाबूजी को फोन लगा लीजिए, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अरे अभी थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएंगे, तब कर लेंगे फोन ऑन। अरे डायरेक्ट ही बात कर लेंगे ना, और थोड़ी देर प्यार की बात कर लेते हैं। छोड़ो जी, आप ही ना हर जगह शुरू हो जाते। अभी सारी बातें छोड़ो, मिठाई की दुकान आ गई है, बाबूजी के लिए प्रसाद ले लो। चेतन भाई। अरे अरे भैया लौट आए। लौट आए? अरे वो हमारे प्रसाद वाले पेड़े बांधो जरा। कौन से वाले? जय माता दी। अच्छा अच्छा वैष्णो देवी वाले। हाँ। अरे वो फोटो सही चिपका दियो, पिछली बार गए मनसा देवी थे और तुमने हनुमान जी चिपका दिए थे। अबे माता रानी का फोटो चिपका देना। अबे काम करो, भैया जी को पहले 1 किलो पेड़े दे दो। सुनिए जी, आप भी ना हमेशा इसी दुकान से बाबूजी को प्रसाद लेकर देते हो, तो अगर किसी दिन बाबूजी को ये पता चल गया ना कि हम लोग तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाते बल्कि हनुमान मनाते घूमते, उस दिन हम दोनों की खैर नहीं है। और पिछली बार तो बाबूजी को शक भी हो गया था, मुझसे कह रहे थे हमेशा प्रसाद का स्वाद एक जैसा क्यों लगता है। अरे टेंशन नॉट, अगली बार कालूमल के यहाँ से ले लेंगे। अरे वहाँ के पेड़े का स्वाद तो एकदम हरिद्वार जैसा होता है। ये तो नहीं है लेकिन फिर भी, जब से शादी हुई है तुम ही उनकी बेटी होकर रह गई हो, हम तो एकदम लफंगे लोफर गंवार उनके सामने। अरे थक गए भाई, आजा सामान रखवा दे। अरे आ गए तुम लोग? हाँ बाबूजी, चरण स्पर्श। खुश हो, खुश हो। बड़ी अच्छी तीर्थ यात्रा रही बाबूजी, अच्छे दर्शन हुए। ये लीजिए आप प्रसाद। नहीं बेटा वो तो ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम अपना फोन बंद क्यों रखते हो? अरे बाबूजी आपको तो पता ही है ना मेरा स्टाइल, मैं जैसे ही घर से कदम बाहर रखता हूँ अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी स्टाइल। अरे अगर कोई इमरजेंसी हो, किसी को कोई बात करनी हो, कोई खबर देनी हो तो किसको दें? अरे आप तो ठीक ठाक है ना बाबूजी, काहे की इमरजेंसी? क्या हुआ बाबूजी? बेटा तुम अभी यात्रा से आई हो, लेकिन जाओ फिर से तैयारी करो जाने की। लो
बाबूजी फिर से भेज रहे हैं, जाके तैयार हो जाओ, जरा अच्छे से तैयार होना। तुम अपनी जबान बंद रखो। अरे बेटा, वो जो तुम्हारी छोटी बहन सुनीता, क्या हुआ बाबूजी सुनीता को? चली गई। अरे ये हो गया टंटाप, ये हो गया टंटाप। मैंने कहता था एक दिन वो घर से जरूर भागेगी, लक्षण ही ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे उसके। मुझे तो तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिखाई पड़ते हैं। फोन बंद रखते हैं, सामान खुले रखते हैं। बेटा अभी अभी हरिओम जी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि सुनीता हम सब कुछ छोड़ के चली गई। आप भी बाबूजी, ये बात तो आप हमें फोन पे ही बता सकते थे, हम वहीं से वहीं निकल जाते। अरे किसको फोन पे बता देते, फोन तो तुम्हारा बंद रहता है। अरे यार अब ये चौराहे पर नौटंकी बंद करो। अरे घर का मैटर है, घर में ही जाके रो, ऊपर ही तो है। जाओ बेटा, जाओ तैयार हो जाके। सुनीता, अरे यार नौटंकी। और सुनो, हाँ तुम इसके साथ जा रहे हो जी, और अपने साथ साथ वो हरिओम जी को और शांति जी को भी साथ ले जाना जी, समझे? साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बाबूजी, जाओ। बाबूजी वो, बाबूजी वो कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है कि आपकी बहू ने वहां पे कुछ 500 लोगों को, भिखारियों को खाना खिलवा दिया। अरे वो तो बड़ा अच्छा किया, पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे की जरूरत पड़े अलमारी में से निकाल ले जी बाबूजी। सुनो, और सुनो फोन खुला रखना। अरे बाबूजी ये लो आपके सामने, खुला कर दिया इसको ऑन। मेरे फोन की चिंता रहती है। ये भगवान। बाबूजी प्रसाद तो खा लीजिए। ये पेड़ा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, फिर वही स्वाद। ये आ गया अपने। अब मेरे को तो बता दिया कर। अरे एंट्री का वेलकम डिश क्या हुआ अपना? ठीक सकाराम जी भाई, ये लाइन से आगे कब भी आना नहीं जी भाई। इंस्पेक्टर साहब को जाके बोल दे हॉस्पिटल में तेजपाल थोड़े दिन आराम करेगा, शांति से डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जा, और बोल दे फोन भी नहीं करेंगे, आराम करेंगे बस। भाई जी नया सिम कार्ड डाला है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी हो, बार बार फोन आएंगे। अब यहाँ का लैंडलाइन नंबर यूज करेंगे ना। अरे कौन सा रूम बुक किया मेरे लिए इस बार? भैया इस बार आपका मैंने जनरल वार्ड में मस्त इंतजाम किया हुआ है, आसपास में पड़ोसी लोगों की वजह से दिल लगा रहेगा। हरीश भाई, तेजपाल भैया, सुस्वागतम सुस्वागतम। आके तरस गई आपको देखने के लिए। आपका प्यार खींच इस बार बहुत देर लगा दी आपने। हाँ। सारी व्यवस्था कर रखी है आपके लिए हमने। अच्छा सुनो, हमारा जो फोन आएगा वो तुम्हारे हॉस्पिटल के नंबर पे आएगा लैंडलाइन पे, तो रिसेप्शन से लेके मेरे बेड तक पूरा वायरिंग करवा दो मेरे बात करने के लिए। 100 मीटर वायरिंग लग जाएगी, आप चिंता ना करें ना, आपको व्हील चेयर पर फोन तक पहुंचा दिया जाएगा। भैया डाल दो इसमें। हम यहाँ आराम करने आए हैं, व्हील चेयर पे घूमने नहीं आए हैं। ठीक है खर्चे की चिंता मत करो, वायरिंग करवाओ जल्दी। अच्छा सुनो, ये लाइट वाइट तो नहीं जाती इधर आजकल? नहीं नहीं नहीं, आजकल बंद हो बस, बिल्कुल सही। पक्का? बिल्कुल सही। अगर अब की बार लाइट गई ना, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के तिली लगा दूंगा। ठीक है ध्यान से करना काम। अब आपको अच्छे बच्चे की तरह दूध पीना है। नहीं मामा, मेरा मन नहीं है। क्यों क्यों मन नहीं है? तो फिर 5 5-star दोगी? ओके पहले तुम ये दूध खत्म करो, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट। बाला तो बेवकूफ है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे थे? पापा जी आप समझने की कोशिश करिए, जैसे रस्तोगी अंकल आपके दोस्त थे वैसे बाला मेरा दोस्त है, मैं तो उसको सिर्फ मेंटली सपोर्ट दे रहा था। जो कुछ भी किया गलत किया तुमने, किया ना गलत? बाबूजी प्रणाम। खुश रहे। बाबूजी सुनीता मर गई। जी बाबूजी अपनी सुनीता मर गई। तुम्हें किसने बताया? रे जी वो शांति मौसी का फोन आया था। अरे बस 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 रोक दे, ये ले। अरे मालिक कम है? बहुत है, बहुत टेंशन में, निकल लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। अरे दरवाजा बंद है, ये बड़ू निकल तो नहीं गया कहीं। ए मौसे जब आओ, ये दरवाजा बंद मिलता है, ये दोनों अंदर करते क्या रहते हैं? ए मौसे, ए मौसे। मेरे ख्याल से इस समय हमें कमला चाची के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि कड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप इस परिवार के सबसे बड़े हैं? भूला नहीं मैं, और मैं ये भी नहीं भूला हूं कि मेरे अपने भाई की मौत का इल्जाम उस पागल औरत ने मेरे ऊपर लगा दिया था। अरे आप समझने की कोशिश करिए, चाचा जी के मरने के बाद चाची की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अनशन उन्होंने कुछ भी बोल दिया। कुछ भी बोल दिया होगा हाँ?
भाई के मरने के दो दिन बाद ही उसने अपनी बहन से कहलवाया था कि घर का पुश्तैनी मकान उसके नाम कर दो। लानत है, मना किया था, कहा था मैंने रमाकांत को अपनी बिरादरी में शादी कर, लेकिन नहीं, कर ली शादी उस अनपढ़ जाहिल गंवार औरत से। 10 साल के भीतर घर का पुश्तैनी मकान दुकान सब बेच के खा गई। लेकिन ऐसे समय में हम सबको वहां होना चाहिए पापा। नहीं, तुम जाओगे वहां और जितने पैसों की जरूरत है उसे दे देना। पैसों की भूखी औरत है वो, उसके सारे खानदान को हमारे पैसों से जलन होती है। कभी कभी पैसों से ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। मैं आपको वहां जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसे मौकों पे दुश्मन भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो उनके अपने हैं। मालूम है मुझे बाबूजी, आज शाम को खाने में क्या बनेगा? तेरा दिन तक घर में छौंक नहीं लगेगा, 3 दिन तक खाना नहीं पकेगा। केश। हाँ बीना। आज वो वाला गाना सुनाओ ना। कौन सा वाला? वही जो तुम हमेशा सुनाते हो मुझे। अच्छा, इमोशनली वाला। भैया क्या है पप्पू, एक ही रील कब तक चलवाओगे? तेरी भाभी और मैं एक यही रील देखते कर गाना गाया करते थे। तेरी भाभी की बहुत याद आती है यार। भैया ये लो, आपका भाभी का गाना आ गया। खुद को कहूँ कितना बेकरार किया है, खुद को कहूँ कितना बेकरार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है। एक पल के लिए भी तुम अब दूर नहीं जाना, वरना मर जाएगा ये तेरा दीवाना। अब सांस भले छूटे तेरा साथ न छूटेगा, जो वादा किया मैंने वो वादा न टूटेगा, वो वादा न टूटेगा। हर वक्त होठों ने यही इजहार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार। सितारों से तेरी मांग सजाऊंगा, डोली में बिठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, तुझे घर ले जाऊंगा। इस दिन का मैंने बरसों इंतजार किया है,
इस दिन का मैंने बरसों इंतजार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है, हाँ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है। आज तुम्हारे गाने का सुर बहुत सही था। कभी बोल। वार्ड नंबर 6, बेड नंबर 2। क्या हॉस्पिटल का नाम क्या? हेलो, हॉस्पिटल तो वही होगा भैया। भैया हाँ हाँ पप्पू। भैया भाभी का वार्ड नंबर और बेड नंबर मालूम पड़ गया। क्या पक्की खबर है ना पप्पू? हाँ भैया, मैंने खबरी ने खबर दी है। चल चल जल्दी चल। चलो भैया जल्दी भाभी की मान भरी देना। बस बस बस। अरे अब हो जाएगी ठीक ये? अभी भी उम्मीद बहुत कम है। अरे नास पीटे, उम्मीद कम है तो क्यों दो दो घंटे में आकर इंजेक्शन दे रहा है तू इसे? अरे हमारा फर्ज है मरीज को आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश करना, वही कर रहा हूँ मैं। आ, कर ले कोशिश, कर ले, कुछ घंटों की जान बची है, इंजेक्शन दे देकर उसे भी अभी से निकाल ले। कमला बहन, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे तू चुप हो जा, तुम दोनों की मिली भगत है सब जानती हूँ मैं। अम्मा ये बार बार ब्लाउज की तरफ देख रहे तुम्हारी। अरे तो देखने दे इस नासपीटे को, कौन सा हाथ डाल सकता है। और तू, तुझे भी सुसाइड नोट चाहिए, तू भी डालेगा हाथ? हरीश कितनी बार कहा अकेले में ट्रीटमेंट करने दो मुझे, कैसे लोगों को लाते हो। अरे खबरदार, जो अकेले में मेरी बेटी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की तो अरे आग लगा के रख दूंगी सारे अस्पताल में। अम्मा वो चाचा जी के अंगूर खा लूं? हां जा खा ले। हां मैं तो समझ रही थी कि आज खेल रहे हो तुम दोनों। इसी उम्र की थी मेरी ललिता भी जब वो मेरे को छोड़ के गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो कहां कहां नहीं लेके गया मैं उसको। सब साले डॉक्टर ऐसे ही इंजेक्शन ठोकते रहते थे, बस कोई भी ठीक नहीं कर पाया उसको। अरे अपनी माँ का तो सोच लेती। भैया भाभी की सिर्फ यादें ही रह गई हैं। हाँ पता है, एक दिन में तीन बार मांग भरवाती थी। हाँ। बोलती थी इससे तुम्हारी उम्र 3 गुना बढ़ जाएगी। भैया इतनी बार गोली लगी है आपको, कुछ हुआ नहीं ना? ये भाभी का 3 बार मांग भरवाने का नतीजा है भैया। हाँ मेरी उम्र तो बढ़ गई पर उसकी तो कम हो गई ना। मैं पीऊँ जूस? जूस क्यों पीऊँ? जूस क्यों? मेरी दीदी बीमार है, वो आंखें नहीं खोल रही है, इसलिए मुझे कोई जूस नहीं पिला रहा है। मैं पीऊँ जूस? उसका भाई है, वाकई में उसका भाई है। वो तुम्हारी बहन है? नहीं दीदी है, दीदी। अच्छा ये ले पी। हाँ पीऊँ? और ले, कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। नहीं ले जा, नहीं आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ। अच्छा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा इसको ना खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, जो मांगे बेचारे को दे देना। दे दे। पता है ललिता भी अनार का जूस पीती थी। सब देख रहे भाई। भाई भाई ढक के रुई, भाई मुंह ढक के रुई और लेट जाइए। डू नॉट डिस्टर्ब मी। बिल्कुल डिस्टर्ब। देख ले सुनीता, एक और पागल हो गया तेरे चक्कर में। भाई फोन है जेल से आपके लिए। अरे तेरी। भाई कोई रो नहीं रहे, ध्यान में है, तुम जाओ। यार ये 100 मीटर का वायर कैसे मैंने इंतजाम किया मैं ही जानता हूँ। दे दू गोल्डी। डाल दूं? अरे यार जब देखो डाल दूं, दे दूं, डाल दूं। 100 मीटर गोल्डी। भाई भैया आज कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो गए? होंगे ना, अब सामने वाली जो लड़की है सुनीता, उसको देख के भाई ऐसे तो हो ही जाएंगे ना। हाँ, की याद आएगी। हाँ। तेजू ललिता। ललिता भाभी आ गई क्या? हाँ मैं तो वही याद कर रहा था अभी। सच में पता है तू मुझे बहुत याद आती है। इलाज तो टांग का कराने आया है, हमें तो लग रहा है कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। देखो तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। अरे याद तो मैं हर पल करता हूँ, पता है मेरी एक एक सांस से ललिता 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 निकलता। ललिता तेरी माथे की बिंदी, तेरी आंखों का कदर, तेरी होठों की लाली, तेरी तेरी मैं
नरेश की शादी में मिली थी। सुनीता अपने कहने लगी, मौसी अब की बार घर आऊंगी, अपने हाथों से गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगी। अब बताओ सुनीता नहीं रही, कौन बनाएगा और कैसे खाऊंगी मैं हलवा। अरे अब इसमें रोने वाली बात कौन सी है मौसी, शिवलाल उस्ताद के यहाँ से 1 किलो गाजर का हलवा भी पैक करा लेता हूँ, रास्ते पर खाते हुए चलिएगा। ललित बेटे तुम बहुत समझदार हो गए हो, वक्त सबसे खा देता है मौसा। अरे बावले हो गए हो दोनों, मैं तो सुनीता को याद करके रो रही हूँ और तुमने हलवे की दुकान ला दी बीच में। मेरी सुनीता। अरे भगवान, सारे आंसू यहीं पे टपका दोगी तो वहाँ के लिए क्या बचेगा। हा? शर्म नहीं आ रही है? ऐसे समय में भी मजाक कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें साथ नहीं लेके जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ मैं। मौसा आप नहीं आ रहे? नहीं, 13वीं में आएंगे, उससे पहले झांकेंगे नहीं। ठीक है। अब ये फोन किसका बज रहा है? अरे तू भी बहरा हो गया अपने मौसा की तरह, बावले तेरा ही फोन बज रहा है। यार ये बाबूजी के चक्कर में फोन ऑन रखना पड़ता है। हे भगवान, अब कोई और मनुष्य खबर ना हो। किसका फोन है बेटा? अमित का है मौसी। हाँ अमित बोलो। यही आपको पता है सुनीता के बारे में? हाँ पता चल गया है, बस हम लोग सब निकल ही रहे हैं। ये वो ताऊ जी आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, आपको तो पता ही है चाची और पापा में कितना प्रॉब्लम है पुश्तैनी मकान को लेके। ऐसे मौके पे तो दुश्मन, खैर हम तो घर के दामाद है ना भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे नहीं 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 जी, यही कैसी बातें कर रहे हो, पापा तो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। जी मैं सोच रहा था ना कि मैं तो जा रहा हूँ अकेले गाड़ी लेके, मेरे साथ अगर आप भी चलते, दीदी भी चलती तो अच्छा था। अरे यार अमित, हम तो आ जाते लेकिन साथ में मौसी भी आ रही है ना। हाँ हाँ, तो मौसी को भी ले चलते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अरे पागल हो गया क्या, ताऊ जी की गाड़ी में मौसी? अरे आग लगा देंगे उस गाड़ी पे, अरे थूकेंगे भी नहीं उस पैसे के घमंडी की गाड़ी पे। लो सुन लिया। अरे जीजा जी, पापा नहीं जा रहे हैं, और मौसी की दुश्मनी तो पापा के साथ है ना, मेरे साथ थोड़ी, हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है मौसी को। यार अब समझाता हूँ मैं। अच्छा तुम ये बताओ कि गाड़ी लेके कहाँ आ रहे हो? भैया आज भाभी की छपूरी कर दो, मांग भर दो भाभी जी की। जाओ भैया जाओ। पप्पू तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा यार। अरे भैया आप मुझे हमेशा शर्मिंदा करते हो। अरे तू मेरा अपना है यार। हाँ चल भैया, चाची से बच के रहना, अगर देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तू मेरी फिक्र मत कर, अपने बारे में सोच। हाँ पकड़ी से जी, मैं आता हूँ। अरे आग लगा दूंगी एक एक को। हाँ ये रही मांग। सुनीता मैंने तुम्हारा कमिटमेंट पूरा कर दिया। सुनीता अरे कौन है तू? ये देखो जी मेरी मांग भर के चला। शोर कैसा है? मुझे लगता है गज्जू गैंग का कोई आदमी आया है। पसार देना सबको। इन्फॉर्मेशन गलत थी। कह रही थी अगली बार आऊंगी मौसी तो गंगा स्नान कराऊंगी। स्नान कराए बिना ही चली गई। अरे उम्र क्या थी बिचारी की। अरे ललित अमित आएगा कि हम अपनी गाड़ी कर ले। आएगा आएगा मौसी, तब तक आप सुनीता की बातें और याद कर लीजिए। ये मजाक का समय नहीं है जी है? मेरी बहन मरी है, अगर तुम्हारी बहन मरी होती ना तो पता चलता। अरे हमारी भी साली मरी है, और साली के मरने का जितना दुख होना चाहिए उतना है हमें। अरे सड़क पे तो ना लड़ो मौसी, आप इन्हें समझाइए। ये अमित की गाड़ी थी ना, अरे मरे ना रोके भी ना हमें। मैं देख रहा हूँ मौसी, जी की चाल होगी। उन्होंने अमित से बोला, इतनी देर से कहाँ थे भैया, कहाँ अटके हुए थे? कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बाद में सुनते हैं, पहले इनको बिठाओ। चलो मौसी बैठो, देर हो रही है, बिठाओ सामान, उठा लेंगे हम लोग। आप बैठो, खाने का डब्बा जरूर उठा लेंगे मौसी, उठा लेंगे हलवा भी पैक करा लेंगे। अरे बताओ लच्छू की शादी में सुनीता ने लौकी का हलवा बनाया था, आज तक लोग याद करते हैं, बस याद ही याद रह गई है। चलो बेटा गाड़ी में। हाय भगवान सत्यानाश हो, इसका थूक कीड़े पड़े पैसे वालों के, इसकी शक्ल देखकर दे
राम ज्यादा हेलीकॉप्टर में आने वाला था, देखो घमंडी कैसा मुछे डाल के बैठा। यही बताना चाह रहा था, जाए कीड़े पड़े इसके मुंह में। मैं नहीं आ रहा आपके साथ, पापा जी आ रहे हैं। अच्छा ये कांड था, अजीब आदमी हो यार, फोन करके बताना चाहिए ना। अरे मैंने आपको फोन किया ना, आपका मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच। अरे यार हमने तो एक बार स्विच ऑफ किया था, देखो ये तीन बार कैसे स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन मैंने तो तीन बार फोन किया ना आपको। भैया हम तो पहले बता चुके हैं, जब हम जर्नी पे निकलते हैं तो फोन ऑफ करके। खैर छोड़ो, सुनीता का मामला है, तुम इनको समझाओ, हम ताऊ जी को संभालते हैं। ठीक है जी। और संभाल के हैं। ठीक। अरे ये तो कांड हो गया। हे भगवान, मौसी जी आप खामखा गुस्सा मत होइए पापा। अरे चुप कर तू, बता नहीं सके पापा जी का प्रोग्राम ना एंड में बना, एंड में। अरे एंड में बना के सुनीता का दी एंड कर दिया और हमारा भी दी एंड कर देगा। चलो स्पष्ट हो जी। हाँ ठीक है, अगर ये सब साथ जाने वाले हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। इनका प्रोग्राम कैसे बन गया ताऊ जी? जैसे आपका प्रोग्राम बना वैसे मौसी लोगों का बन गया। अलका का तो ठीक है, लेकिन शांति और मैं इकट्ठे हो नहीं सकता। अमित भैया हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम एक फोन तो कर सकते थे कि आपके साथ ताऊ जी भी आ रहे हैं। अरे मैंने बताया ना, मैंने फोन किया जी को, लेकिन जी का मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अरे अलका ये ललित ने फोन किस लिए खरीदा, स्विच ऑफ करने के लिए? हाँ मौसी, सिर्फ 12 घंटे की तो बात है ताऊ जी। सोचिए सुनीता की डेड बॉडी आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रही होगी ताऊ जी, उस बेचारी की क्या गलती। मौसी अगर आपने ये नाटक किया ना तो आप मरते वक्त भी सुनीता का चेहरा नहीं देख पाएंगे। अमित ठीक कह रहा है मौसी, कम से कम उसके लिए तो चलिए। ठीक है उससे कहना मुझसे बात न करे। ठीक है बिल्कुल बात नहीं करे, बुला लूं। गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे। आ जाओ आ जाओ बैठो। अरे बैठो, सामान उठा लो। हाँ संभाल के ले जाना, तीनों एक साथ पहली बार गाड़ी में बैठे, संभाल के ले जाना। संभाल के ले जाएंगे, चौथा भी साथ में पहली बार बैठ रहा है। ना ना आपकी बात अलग है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अपना मोबाइल जरूर ऑन कर लीजिए। यार लो ये ऑन कर लिया, लो मेरे सामने करिए। अच्छा बाद में कर लेंगे, सामान पहले रखवाओ। विश्वास करो यार, जिया हूँ यार। चलो जेंटलमैनों, भाई की अदालत चालू हो गई है, अपनी अपनी फरियाद शॉर्टकट में सुनो। हमेशा पेट में गैस की शिकायत रहती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होते रहता है। कितनी बार इनको समझाया कि ठीक से इलाज करो मगर समझते ही नहीं है। बचपन से प्रॉब्लम है भाई इनके गैस का। भाई ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, आप इसकी उम्र देखिए, आपको लगता है कि ये बचपन से ही इधर एडमिट है? दो दिन में इसके गैस निकाल, नहीं तो तुम्हारी गैस बना दूंगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। भैया हाँ भैया, दीदी आंखें नहीं खोल रही है, दीदी मुझसे बात क्यों नहीं करती? अरे दीदी आंखें नहीं खोल रही है। करेगी बेटा करेगी, तो तूने कुछ खाया? मैं मारती है खाऊंगा तो। तो कुछ पिएगा खाएगा? हाँ, हाँ। क्या पिएगा? जूस पिएगा। हाँ, हाँ। अरे जूस है ना? बिल्कुल बाल्टी भर के भैया। अच्छा मेरे बेड के पास पड़ा है जूस, चाय पी। मैं जूस पीऊं? हाँ, आप उनको ठीक कर देंगे? हाँ। अरे मासूम चिच्चा। हाँ बोलो। नमस्ते भाई, बाबूजी को 6 महीने इस कुर्सी पे बिठा के घुमा रहा हूँ, घुमा घुमा के तंग आ गया हूँ भाई। तंग आ चुका है तू? श्रवण कुमार ने पैदल अपने माँ बाप कंधों पर रख के पूरी जिंदगी ऐसे घुमाया था और तू व्हील चेयर पे घुमा के तंग आ चुका है। सॉरी भाई। अबे बुजुर्गों की खिदमत करके तू तंग आ गया तो चौड़ा कर दूंगा। नहीं 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 माफ करना। चुप बेटा, जंग शुरू हो गई। नहीं नहीं हाँ हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अच्छा चलते 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 चलो, अब नहीं आऊंगा इनके पास, अब नहीं आऊंगा फिर से। सिस्टर आप लोगों का भी प्रॉब्लम है क्या? मेरी शादी नहीं हो रही है। नहीं भैया मैं नहीं, सिस्टर ने। नोट करो कि 2 दिन में मैं इसकी मांग भरूंगा, लिखो और साइन करो। गुड लक। थैंक यू भैया। नेक्स्ट। तेजू भैया ये कहते हैं मुझे वहम का रोग है, मेरे दुख दर्द का कोई इलाज नहीं है क्या? तेजू गोल्डी भैया भाभी आगे लगता है। तेजू बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। मैं करता रहूंगा। भाभी नहीं है फिर भी कितना प्यार करते ना भैया,
इसी को तो प्यार कहते हैं। बस तू तू मेरा साथ मत छोड़ना। तू देखना मैं सबकी मांग भरवा दूंगा। जी जब मैं पहली बार कमेंट करता हूँ ना तो खुद गणी मानता हूँ, और जब मैं दूसरी बार कमेंटमेंट करता हूँ ना जी तो सामने वाला नहीं मानता, और जब मैं तीसरी बार कमेंटमेंट करता हूँ ना जी तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है जी। और सर जी चौथी बार तो आप करते ही नहीं है। शट अप। हो गया आपका? हाँ जी। तो अब काम की बात कर ले। हाँ जी, काम की बात तो यो है जी, आपके छोरे को ना अस्पताल से निकालना पड़ेगा। अरे तो तुमको क्या सड़क पे से सांड हटाने के लिए रखा है? वैसे आपके छोरी के साथ जबरदस्ती तो ना कर सके, और जबरदस्ती कर दी ना साहब जी तो आपकी इज्जत की तो, अरे अरे इज्जत की तो सारे शहर को पता चल गया है कि मेरा लौंडा जो है एक दो टके की छोकरी का आशिक हो गया है। अब इससे ज्यादा इज्जत क्या उछलेगी? सर जी वो बुढ़िया ना बड़ी ऊंची चीज है जी। सबसे पहले तो जी अपनी बेटी के मरने के बाद वो सुसाइड नोट पूरी जनता को एक एक करके पढ़वाएगी जी, उसके बाद ये रिपोर्ट लेके हमारे पास आएगी जी। तब सोचिए साहब जी आपकी इज्जत की। अबे तुम लोग मुझे यहाँ डराने के लिए आए हो या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हो? भैया तुम कपड़े चेंज करके आ जाओ। तू भी आना पप्पा। नहीं भैया पप्पा मुझसे नाराज हो जाएंगे। चल ठीक है ओके। ये खबरी ने गलत खबर कैसे दे दी? भैया ने फौजी की बीवी की मांग पर दी, कुत्ते की तरह भगवा दिया। किसी भी तरीके से अपने बेटे को समझा बुझा के ना अस्पताल से निकलवा लो। उसके बाद तो जी इस केस को यूं रफा दफा कर दूंगा जी, और मेरा वादा है ना आप पे ना आपके छोरे पे आंच बनाने दूंगा। बिल्कुल आंच नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अब ना मुझे और ना ही मेरे पापा को। वाच रे वाच वाच। सब जी अब तो आपका छोरा आ गया है, थोड़ा सा आराम से समझा बुझा के। हाँ जी राम राम जी। राम राम भाई। बेटा ये क्या हाल बना रखा है? पापा मैं हॉस्पिटल में सुनीता की मांग भरने गया था, गलती से किसी फौजी की बीवी की मांग भर दी। उसके पति ने मेरा पीछा किया, पकड़ने की कोशिश की, इसी चक्कर में थोड़ा फिसला। ये बताने के लिए तू आया यहाँ पर? नहीं पापा, कपड़े बदलने आया, देखो ना कितने गंदे हो गए हैं। बेटा और जो तेरे बाप और तेरे खानदान की इज्जत गंदी हो रही है उसकी तुझे बिल्कुल परवाह नहीं, वो दिखाई नहीं देता? पापा वो तो सारा शहर देख रहा है, अब इसमें मैं क्या देखूं? मुझे एक बार सुनीता की मांग भरनी है, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा। जिसकी मांग भरने के लिए तू ये पागलों वाली हरकतें कर रहा है ना, उसने तेरे और तेरे बाप को जेल भिजवाने का इंतजाम कर रखा है, सुसाइड नोट लिखा हुआ है, उसकी मां के यहां रखा है, इधर इधर। लेकिन फिर भी मैं उसकी मांग भरना चाहता हूं पापा, ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो सुहागन मरे, जीते जी तो आपने उसे कभी अपनी बहू नहीं माना, कम से कम मरते वक्त तो मान लीजिए। बिल्कुल तेरी मां की तरह है, मरते मरते भी साजिश कर रही है। तू जानता नहीं है बेटा इन छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। पता है पापा, मां ने बताया आपके बारे में, आप भी पहले लोगों के घरों में अखबार बांटते थे। तो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं मैं। बताया मां ने आपकी मेहनत के बारे में, एक मालिक की लड़की से इश्क करके मालिक बनने में कितनी मेहनत होती है पता है मुझे, और आपके और मेरे प्यार में बहुत फर्क है पापा। क्या फर्क, क्या फर्क है? आप नहीं समझेंगे, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अरे अरे विषय पर फिर चर्चा करेंगे? अरे कोई क्लासरूम है यार, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जीते जी खुद ब्लैकमेल करती रही, मरने के बाद लौटने को आगे कर गई, सब बता गई है, जो नहीं किया वो भी बता गई है। भरी दोपहर में बाबूजी ने मुझसे कहा कि मुझे बिंदा वाला चॉकलेट के शिवलाल उस्ताद की जलेबी खानी है, मुझे बहुत पसंद। मैंने कहा बाबूजी आपको 600 शुगर है, आप जलेबी खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। लेकिन बाबूजी, बाला भाई संभालो अपने आप को। बाला भाई आपके बाबूजी को इतनी हाई डायबिटीज थी तो इनको इतनी जलेबी नहीं खानी चाहिए थी। उसका तो दुख है, नहीं खिलाई मैंने बाबूजी को जलेबी, नहीं खिलाई मैंने। ये क्या? मैंने तो
तो रसगुल्ले खिलाए ठंडे ठंडे। ये कब की बात है भला भाई? 3 तारीख की। तो आपके बापूजी कब मरे थे? 5 तारीख को। तो 5 तारीख की बात बताओ ना भला भाई। सीधे 5 तारीख से ही लो। 5 तारीख को सुबह 4 बजे मैं बाबूजी अगल बगल में सोए थे, जोरदार आवाज हुई 4 बजे सुबह सुबह, मैं जग गया, सोचा क्या आवाज हुई, मैं देखने लगा अगल बगल में, पता चला बाबूजी ने गैस पास की है। पर आपके बाबूजी मरे कितने बजे थे? ग्यारह बजे। तो 11 बजे की बात बताओ ना भाई। भाई साहब रात के 11 बजे के बाद क्या हुआ? हाँ धीरज रखो बाला भाई, धीरज रखो। आपकी दुकान कितने बजे बंद होती है? रात को 9 बजे। तो आप एक काम करो, अभी जाओ दुकान खोलो, रात को दुकान बंद करके आ जाना। अभी बाला भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरा इत्मीनान से बताएंगे, 3 तारीख से ही बताएंगे। यहाँ कितने लोग ऐसे जो 1 तारीख से सुन रहे हैं? कितने लकी लोग हैं। राम राम, राम राम। नहीं खिला पाया उन्हें जलेबी। एसी चालू है, खिड़की मत खोलो। अरे खिड़की तो खुलेगी ललित, बंद करो भाई एसी, हमें उल्टी जैसा हो रहा है। थोड़ी बहुत घुटन तो मुझे भी महसूस हो रही है। खोल खिड़की। मैं भी खिड़की खोल लेती हूँ। हाँ खबरी बोल। वार्ड नंबर 6, बेड नंबर 6। भैया खुशखबरी। भैया मुझे माफ कर दो प्लीज। पप्पू कितनी गलतियां करता है यार, कितनी बार माफ करूं तुझे? तुझे पता है ना किसी और की बीवी की मांग भरना कितना बड़ा पाप है? भैया वो खबरी ने मुझे गलत खबर दी थी। साला तेरा ये खबरी है कौन? मैंने देखा नहीं आज तक। भैया मैंने भी आज तक नहीं देखा। हाँ फोन पे बात होती है, लेकिन भैया इस बार सही इन्फॉर्मेशन दिया उसने। भैया वार्ड नंबर 6 और बेड नंबर 6। भैया भाभी वहीं पर है, भाभी की मांग भर दो भैया, भाभी की आखिरी तमन्ना पूरी कर दो भैया। हाँ भैया चाची ने आपको पकड़वाने के लिए वहां पुलिस को बुलाया। पप्पू मैं सच्चा आशिक हूँ जी, सारी दुनिया से टकरा सकता हूँ, तुम मेरे बारे में छोड़, अपने बारे में सोच। मैं तो हेलमेट पहन लूंगा भैया। भैया चलो चलो भैया, भाभी की मांग भरनी है। आज तो मांग भरनी है। आज बहुत कम लोग आए। नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे। अमित वो खुर्जिया वाले है ना, उदय भान, मैंने फोन किया, लगा के सेट, मुझे बोले रस्तोगी तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर गया था, तुम्हारे लिए अब मरा है। बोले कोई बात नहीं मैं आऊंगा। चेतन चाचा को बोला? उनको बोल दिया, वो बोले कि जब भी टाइम मिलेगा वो आ जाएंगे। बाबूजी के चौथे में बहुत लोग आए थे, शर्मा जी के चौथे में तो कोई। नमस्ते वाला भैया। भैया अचानक रस्तोगी जी को क्या हो गया? बहुत भले आदमी थे। 1 तारीख को तो हम लोग बैठ के शिवलाल उस्ताद की दुकान पे जलेबियां खाई थी। बताओ शुगर ऐसे ही नहीं बढ़ी? 2 तारीख से ही शुरू करो, 1 तारीख का तो पता ही है इसे। दो तारीख को हमारे घर में पोछा हो रहा था, दोपहर का वक्त था, और वो साबुन का झाग भाग और उसमें फिनाइल इतना डाला था ना कि फिनाइल की खुशबू से इतनी खुशबू फैल गई थी घर में, फिनाइल की खुशबू से ही बाबूजी को चक्कर आ गए और बाबूजी हवा में ही। भगवान रस्तोगी जी की आत्मा को शांति दे। देखना रस्तोगी जी मरे नहीं होंगे, ये फिर से जिंदा कर देगा। गिरे गिरे और उठ गए। उठा लिया भगवान ने, उठा लिया। नहीं नहीं गिर के फिर से उठ गए, मतलब उठ गए। उस वक्त कुछ नहीं हुआ था? उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। देखा देखा उस वक्त कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ पिछवाड़े पे वो थोड़ी सी मोच आ गई थी। मुझे कहने लगे कि मुझे पिछवाड़े पर दुख रहा है, बेटा मुझे थोड़ा बाम बाम मल दे। मैंने बाम की बोतल लाई और मैंने मालिश किया, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। मुझे क्या पता था भैया मैं आखिरी बार उनकी सेवा कर रहा हूँ, बताओ होता तो मैं और मालिश करता। बाम तो एक निमित होता है, सब भगवान का बनाया होता है,
अपने हाथ में कुछ होता है। मेरे हाथ में बाम था, बाम से मालिश कर रहा था मैं। मुझे कहने लगे बेटा धीरे रखो, बहुत अच्छा लग रहा है, और मालिश करो। मैंने और मालिश की, फिर बाबू जी को पकड़ के मैंने पलंग पे मैंने सुला दिया और रजाई दी। बागा भाई, 5 तारीख से शुरू करो, सीधा 5 तारीख से सीधा। 5 तारीख को क्या हुआ? 5 तारीख को सुबह 4 बजे थे। अरे यार, 4 बजे मैं बाबूजी अगल बगल में सोए थे, धड़ाम से आवाज। मैंने सोचा इतनी बड़ी आवाज क्यों हुई होगी, किस चीज की हुई होगी। देखने लगा, पता चला बाबूजी ने गैस पास की है। 4 दिन से गैस पास हो रही है, बाबूजी कब पास हुए बता ही नहीं रहा है। बाला भाई धीरज रखो, धीरज रखो बाला भाई। अचार कैसा है? अच्छा है मौसी, पिछली बार घर आई थी ना, अपने हाथ से डाला था सुनीता ने, छत पे बैठ के 5 किलो आम काटे थे। अब बताओ कहाँ चली गई सुनीता? ललित देख अपने ताऊ को, अकेला बैठा हुआ है वहाँ। अरे कुछ मरमर आ गया तो लोग तो हमें ही कहेंगे, लो जी रास्ते में मार दिया, जा बुला के लेके आओ उसे। अरे मौसी, उनकी तबीयत खराब है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? ताऊ जी नाटक कर रहे हैं कि कहीं उनको हम सब के साथ बैठकर खाना ना खाना पड़े। तो जा, तू भी बुला लो, चलो। मेरे हाथ से तो पानी भी नहीं पिएंगे ताऊ जी, आप ही जाओ। अरे यार, इन दोनों ने मिलकर तो खून पी रखा है। कचोरी को भी पूरी की तरह ही बेलती थी, हाथ से बेलती थी, जब भी आती थी कहती थी ना मैं बेलूंगी। ताऊ जी आप रो रहे हैं? जिस भाई को इन कंधों पर घुमाया, उसे इन कंधों पर विदा कर दिया, उसकी बेटी को गोद में खिलाया, अब उसे भी जाते। क्या तेरे ताऊ क्या चलित्र कर रहे हैं? कहीं ललित को भड़का ना दे। अरे यही तो काम है उनका, आग लगाना। जा। अच्छा हाँ, अभी देख के आती हूँ। पता नहीं रो रो कर क्या आग लगा रहे ताऊ जी। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत देखना, ये कैसी लीला है भगवान की। ताऊ जी लीजिए पानी पीजिए, कुछ खा लीजिए। ताऊ जी आपको दवाई भी लेनी है, मान जाइए। ताऊ जी कुछ खा लीजिए ना, आखिर घर के आप ही तो सबसे बड़े, आप सब कुछ आप ही को तो संभालना है। मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, माफ कर दीजिए। कुछ मांगा थे, मैं रोऊंगा तो बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे तो सब संभालना है। अलका मौसी को लेके गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे भाई साहब, जरा एक चाय बना दीजिए और साथ में बिस्किट वगैरह दे दीजिए। बिल्कुल ललिता, वैसी मुस्कुराहट, वैसी मांग। भगवान ने इस लड़की के रूप में ललिता को भेज दिया है, मेरे को मालूम था एक ना एक दिन ललिता मुझे अपने होने का एहसास जरूर देगी। भगवान की करनी तो देखो ललिता सुनीता, देखो टोनिंग तो देखो भैया। भैया तो मांग भर दो। ये लड़की बहन है हमारी, और अब ये सुहागनी मरेगी, इसकी मांग भरवाने की जिम्मेदारी अब हमारी, देखते हैं कौन रोकता है। ललिता भी प्रसन्न हो जाएगी। अगर तुमने सुनीता की मांग भरवा दी तो समझ लेना तुमने मेरी मांग 3 बार भर दी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाय तेजू। अरे अब तो भाभी जी ने भी बोल दिया। हाँ। तुम्हारी
अब तो इसकी मांग भर के रहेगी। जाओ लड़का बाहर खड़ा कर बुला के लाओ उसको, अभी मेरे सामने मांग भरवाएंगे इसकी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सुनीता की मांग भर रही है, छोड़ो। आग लगे तेरी मांग में। अरे मैंने कह दिया इस भाड़ू को ले जा, वरना मैं आग लगा दूंगी इस अस्पताल में, क्या इसके अंदर आग लगा दूंगी, ले जा इसे। अरे तू क्यों गाली दिया चली जा रही है, और तू क्यों बीच में बोल रहा है, रिश्तेदार लगता है क्या तेरा? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ेंगे। भैया लड़की की माँ ने ना लड़के को पुलिस वाले से पकड़वा दिया, वो लोग उसको खींच के ले जा रहे हैं। खींच के ले जा रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत, रोको उनको, फायर कर दूंगा, खोल दूंगा, खोल दूंगा। अरे आओ आओ गोल्डी भैया, ले जाओ इसे, मार दो इसे गोली से। गोल्डी भैया बुढ़िया चुप, भैया ने आदेश दे दिया है कि ये लड़की का मान ये लड़का भरेगा तो भरेगा, बस सुन लिया बुढ़िया। अरे बावली पूछ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते समझ गया ना? कानून के हाथ बड़े लंबे होते ना, तो उनको लपेट के जेब में रख ले। भैया ने बोला इसको हाजिर करो, मतलब ये चलेगा मेरे साथ, चलो। जो वादा किया वो भैया, यही वो लड़का है। प्रणाम करो, प्रणाम करो। नमस्ते भैया। अरे वाह क्या हैंडसम लड़के हो यार, हैं क्या बात है, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। क्या जोड़ी है? अच्छा सुन, सिंदूर है तुम्हारे पास? हाँ भैया, वो तो मैं हमेशा साथ रखता हूँ। क्या बात है, तूने तो दिल जीत लिया हमारा। थैंक यू। भर दे मांग। ठीक है। अरे जा जा, भर दे, डर मत। सुनीता, सुनीता देख तेरा दिलदार आ गया। सुनीता हाकी कॉल, सुनीता देख मैं तेरी मांग भरने आया हूँ। सुनीता मैं अपना कमिटमेंट पूरा करने आया हूँ। सुनीता आंखें खोल, आंखें खोल सुनीता। भैया सुनीता ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी सुनीता। दी आंखें, देखा ये है चमत्कार, ये है प्यार की ताकत। सुनीता मैंने अपना वादा पूरा किया। अच्छा सुनो, डू नॉट डिस्टर्ब मी नाउ। भैया देखना सुनीता। अरे मांग भरने से पहले धर ले रे। हाँ? छोरे तू मांग नहीं भरेगा। मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, उसके बाद आप जो कहोगे मैं आपकी बात मान लूंगा। छोरे एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 10 सेकंड मांगे हैं मैंने आपसे, प्लीज सिर्फ 10 सेकंड। अरे छोरे बोल दिया ना, एक सेकंड भी नहीं दूंगा। अगर भैया डू नॉट डिस्टर्ब में नहीं होते ना, तो आप इसको टच नहीं कर सकते थे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप ले जाइए, लेकिन शांति से और धीरे बोलिए आप। अरे चल रे, तेरे से तो बाद में निपटूंगा, चल। पंगा पै गया, ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। सिर्फ 10 सेकंड मांगे थे मैंने इनसे सुनीता की मांग भरने के लिए, उसके बाद आप जो चाहते जहां चाहे मुझे भेज देते, मैं चला जाता। 10 सेकंड मांगे थे इसने? हां जी सर जी, 3 बारी रिक्वेस्ट करी थी 10 सेकंड की, मगर आपका ऑर्डर था जी, 1 सेकंड बिना दिया मांग भरने से पहले धर लिया जी। सुन लिया पापा, सुन लिया आपने? पापा मैंने प्यार किया है तो उसको निभाना भी पड़ेगा ना, और आपने भी मां से प्यार किया था और उसके लिए होटल में बर्तन भी साफ किए थे। यार सबके सामने नहीं बेटा, तू क्या चाहता है? वो 2-4 दिन की मेहमान है, मांग भरे ना भरे क्या फर्क पड़ता है बेटा? पापा फर्क पड़ता है। पापा आज एक बेटा अपने बाप से अपने प्यार की इच्छा पूरी करवाने की भीख मांगता है। पापा क्या उसे भीख दोगे? क्या आप अपने बेटे को भीख दोगे पापा? एक कटोरा हटा ले बेटा, एक कटोरा हटा ले। सर जी छोरो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। चुप कर तू। आज ये बाप खुद अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाएगा और उसकी मांग भरवाएगा, लेकिन उसके बाद बेटा मैं जहां कहूंगा तुझे जाना पड़ेगा। पापा आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। सर जी मारी मेहनत का क्या होगा? अरे चुप कर, 10 सेकंड दे देते उसको वो मांग भर लेता तो तेरा क्या जाता, फिर उठा के ले आते, इतनी दोबारा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। सरकार की जय हो। सरदार जी, सरदार जी, मालिक।
कैसे हो हरिया? आपकी मेहरबानी है सरकार। और तुम्हारा ये ढाबा कैसे चल रहा है? खूब फलफूल रहा है सरकार। आप जब जब मेरे ढाबे पर आते हैं, मेरे ढाबे पर खूब ग्राहकी होती है सरकार। यहाँ बैठे सरकार, इस इलाके में सबको पता है कि डाकू करतार सिंह, विधायक करतार सिंह जी हमारे ही ढाबे पर रहते हैं। सरकार की जय। और हमारा पोस्टर कहाँ लगा है? वो लगा है देखिए सामने, नीचे साफ लिखा है, डाकू करतार सिंह, इनाम 1,00,000 रुपए, बड़ा इनाम था। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। वांटेड मतलब क्या है? नहीं पता। अरे हम बताते हैं ना सरदार, वो जो सलमान खान वाली फिल्म आई थी ना, अरे वो ही वांटेड का खिताब तो सरकार ने आपको पहले से ही दे रखा है। सरदार की जय। जानते हो लाखा? बोलिए। इसी पोस्टर की वजह से हम चुनाव जीते थे। सरकार ने हमारा सबसे पहला पोस्टर इसी ढाबे पर लगाया था और उसके बाद हम इतने प्रचलित हो गए। हम घर घर गए, लोगों से मिले और हम चुनाव जीत गए। अब देखो आज हम आज भी वही काम करते हैं, डकैती का, लेकिन पुलिस बंदोबस्त के साथ। सरदार की जय। सरकार, हमने पोस्टरों का पूरा बंडल रखा हुआ है, एक फटता नहीं कि दूसरा फट से चिपका देता हूँ। गोली ले लीजिए ताऊजी। गोली? गाड़ी में खा लेंगे। अच्छा दवाई है तो चलिए, आप गाड़ी में बैठिए। हाँ। मैं इनका हिसाब किताब बराबर। भाई साहब कितना हो गया चाय बिस्किट का? अरे भाई वैसे ही दुखी हो, जाओ आप। ठीक है भाई जी, क्या परेशानी है? अब वो सुनीता। सुनीता क्या हुआ? सुनीता को जी, वो सुनीता मर गई। नहीं मर सकती सुनीता। सुनीता को किसने मारा? सुनीता दोबारा नहीं मर सकती। दे दे दे, वो अपनी मौत मरी है, हमने नहीं मारा। मेरी साली थी, हम उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं सुनीता को? अब हम क्या बताएं? हमारे सरदार की सगी छोटी बहन थी सुनीता। थी? हाँ, हमारी छोटी बहन सुनीता, छोटी सी थी, एक दिन गुजर गई। और हमारे पास उसकी चिता जलाने के लिए एक फूटी कौड़ी थी। हम लोगों के पास भीख मांगते हुए गए, अपने हाथ ऐसे फैलाए हुए। कुछ लोगों ने कुछ पैसे दिए, उससे हमने बेचारी का अंतिम संस्कार कर दिया। और उसके बाद हमने बंदूक उठा ली। और बंदूक उठाने के बाद आज तक न जाने कितने अनगिनत जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, बड़ा दुख हुआ सुनके, बहुत दुख हुआ। ये लो भाई, कुछ पैसे रख लो। जी अब इसकी क्या जरूरत थी? सुनीता का अच्छे से अंतिम संस्कार कर लो। देसी घी जलाना जी, चंदन की लकड़ी जलाना जी, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? जी हाँ है। वीडियो जरूर लेना जी हाँ। और मुझे MMS कर देना जी, वीडियो में भी खुशबू आनी चाहिए। आएगी आएगी आएगी। आया ताऊ जी, दबाली अपने पैसे वापस ना मांग ले। आ रहा हूँ ताऊ। ये मल्ली का शेरावत है ना? अरे प्रीति जिंटा है वो। हाँ, सारी हीरोइनें कपड़े एक जैसे पहन के एक जैसी लगती हैं। अच्छा, ए अमित, सुना है ये फिल्मी लोग चौथे में भी आते हैं? अरे हमारे चौथे पे नहीं आएंगे, इनका बजट बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम लोग आए ना आज अमित। कोई भी नहीं आया। देख सारे शहर में आपके दुख बांटने की चर्चा हो रही है। अच्छा, तो सब लोगों ने डिसाइड किया है ना कि अब सीधे 13वीं में ही आएंगे। स्वार्थी लोग होते हैं सारे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ है संबंध, देखा ना बाबूजी। मरने से पहले आपने क्या क्या महसूस किया ये जानने का किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को। मतलब एक मिनट में जीआई से बात कर लेता हूँ, तब तक आप बाबूजी से डायरेक्ट बात करो। आमिर बोलो। हाँ जीआई, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ये बाबूजी को ना, एक मिनट, कौन है कौन? बाबूजी को आप तली हुई चीज मत देना, उनको बहुत गैस बनती है। अरे अमित, गैस बन भी गई तो पास हो जाएगी, सारी खिड़कियां खुली हैं। आवाज आई? मुझे दो ना, मुझे तो मैं बात। अरे जीजा जी आप जानते नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बात करता हूँ। एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो, कौन? गिरधारी लाल जी है ना? एक मिनट, वो मेरे पिताजी। एक मिनट,
दोनों साथ साथ पढ़े लिखे पढ़े हुए। 5 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे। अच्छा। अरे बाला क्यों रस्तोगी की आत्मा को अशांत कर रहा है, फोन रख। क्या हुआ? पिताजी की बात करते रोने लगे जोर जोर से। बहुत जुड़ा होता ना दोनों, वापस नहीं करना। पापा यही है मेरी सुनीता। अच्छा तो ये है, ठीक है जा। ठीक है पापा, आशीर्वाद दो। बस बस बस, इसका टाइम नहीं है, 10 सेकेंड है तेरे पास, सिर्फ मांग भर और निकल। ओके आओ जी। सुनीता सुनीता सुनीता, अम्मा सरदार जा रहा है। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते बड़े भैया। सुनीता सुनीता, अब देखिए बहन जी, हमें वो सुसाइड नोट चाहिए, उसके बदले में ये ब्लैंक चेक है, आप जितना अमाउंट चाहें भर लो। हरीश जी। कमला बहन जरा अच्छा बड़ा अमाउंट भरना। जाओ। हाँ जा लेकर तो आप पहले। एक मिनट जी। सर जी ये बुढ़िया कहीं कंगला न कर दे आपको। सुनीता आंखें खोलो। दिलदार सुनीता जी। अरे सुनीता मैंने गेटअप चेंज किया, ये पगड़ी मैंने जानबूझकर बांधी है, गेटअप चेंज किया। दिलदार सुनीता, दिलदार सुनीता कैसी है तू? लो जी अमाउंट तो भर दिया, कुछ अजीब सा अमाउंट भरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। यार ये माँ बेटी को ड्राइंग का बहुत शौक है, ये क्या बनाया माता जी? चक्की, जेल की चक्की। मरने दे एक बार सुनीता को, दोनों बाप बेटों को चक्की ना पिसवाई ना जेल की, तो मेरा नाम भी कमला नहीं। अरे तेरा पैसा तो क्या, तेरे हाथ का तो पानी पीना भी आराम है। थू। चल रे कलुआ। थू, भूल गया था। सुनीता दिलदार सुनीता यारा। घबराती है सांस भी थम सी जाती है, जान मेरी घबराती है सांस भी थम सी जाती है, दिल की दीवारों से अक्सर याद तेरी टकराती है। साथ मेरा ओ साथी मेरे, साथ मेरा ओ साथी मेरे, नहीं छोड़ना ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना। बिछड़ ना जाए तुमसे डर लगता है, मुझको छुपा लो दिल में दिल कहता है, सोऊं या जागूं देखूं बस यही सपना, जैसा है हाल तेरा वैसा है अपना, जैसा है हाल तेरा वैसा है अपना। रूठे
पर तू मुझसे दुनिया रूठे पर तू मुझसे नहीं रूठना। ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना। इश्क इबादत इश्क खुदा है मजहब इश्क हमारा, इश्क यकीन है इश्क वफा है इश्क हबीब हमारा। इश्क का दामन अब तो यारा, इश्क का दामन अब तो यारा नहीं छोड़ना। ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना। देख तेरा दिलदार आ गया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? आंखें खोलो मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना मुझे ऐसी सुनसान जगह पे बुलाते हो जो शहर से 16 किलोमीटर दूर है? ऐसी जगह पे कोई मेरे साथ छेड़खानी कर दे तो? तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता सुनीता, तुम्हें पता है ना हमारा प्यार कितना हिस्टोरिकल है, लाइक सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, और मैं तो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता रहता हूँ। और रही बात तुम्हें टच करने की, तो तुमसे पहले पप्पू यहाँ आ जाता है। पप्पू? पप्पू यहाँ है? हाँ है। पप्पू? हाँ भैया, मैं हूँ इधर, लगे रहो। देखा, हनुमान है मेरा। अरे भैया, क्या हुआ? वो फिल्म की टिकटें लिए, क्या करना है? अरे कोने की 3 सीटें पकड़ ले, आ रहे हम लोग। छोड़, छोड़ मुझे, कमीने कुत्ते, छोड़ मुझे। अरे छक्की बात कर रहा हूँ, हर बार छोड़ देता है। अरे आज मत छोड़ना। छोड़ सकते हैं, छूट ले, मुझे भी छुड़ा ले आके। अरे आकीशा, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बचाओ मुझे। दिलदार, एक बात पूछो। पूछो। कभी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम बचा लोगे? जवाब दो दिलदार। तुम्हें जवाब चाहिए ना? हाँ। पूरा शहर जानता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हें जवाब चाहिए ना? हाँ अभी चाहिए। ठीक है, ये लो जवाब। भैया पप्पी ले लिया। पप्पी? पप्पू? हाँ भाई, कहाँ पर गए? मेरी बात का कुछ बुरा लगा और वो चले गए। हाँ, टेंशन मत है। हाँ। कितना? बहुत ज्यादा। भाभी तुम जाओ, मैं भैया को फॉलो करता हूँ। पर इतनी टेंशन में गए कहाँ होंगे? भाभी मुझे पता नहीं, कि मैं बताऊंगा नहीं, फिलहाल भैया को रोकना बहुत जरूरी है। भैया मती मार के इश्क ये देखो छति बड़ी पहुँचाए रे, छति बड़ी पहुँचाए रे, छति बड़ी पहुँचाए रे। मान ले आजा प्यार से राजा झाड़ के अपना पल्ला। बाबली कुछ हो गया के, 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 बाबली कुछ हो गया के। भैया कहा था ना मैंने, आप बहुत टेंशन में हो, खुद ही मत मानना। अरे भैया तो यही खुद ही मारी थी। अरे इतनी जल्दी कहाँ मिक्स हो गए? ठीक है भैया, कसम है तुम्हारे सर की, जब तक तुम नया से नहीं निकलोगे मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। नहीं, 2 दिन में संभव नहीं, कम से कम 30 दिन ट्रेनिंग लेनी होगी। 2 दिन की ट्रेनिंग से मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, मेरे गुरु के अंदर तो टैलेंट कूट कूट के भरा होगा। गुरुजी, ये तो आपको डायरेक्ट उंगली कर रहा है। आशिक है, उंगली कर सकता है। तो 2 दिन में सिखा पाओगे आप? जरूर सिखाएंगे। 2 दिन बाद लड़ना तो इसको है, हारना या जीतना इसका नसीब।
गुरुजी, अगर आप ऐसे टांग फैलाओगे तो आपकी तो फट कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम टांग फैलाते ही नहीं। गुरुजी, ये स्टंट आप भी नहीं कर सकते थे। पता है आशिक वो है, मैं नहीं। दिलदार, तुम्हें पता है तुमने दो दिन से मुझे फोन नहीं किया, तुम दो दिन से थे कहाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। अच्छा बाबा सॉरी, ठीक एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम से तुमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी, चाहे पिक्चर में कुछ भी चलता हो। दिलदार मुझसे बात करो ना, मेरी तरफ देखो ना। कहाँ देख रहे हो? मुझे देखो। मारो इसको, मारो इसको। पंगा पै गया, पंगा पै गया, पंगा पै गया, कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया। ये ले अपना पर्स। अबे क्या कर रहा है? ये पर्स तो मेरा है। थोड़ी से तू निकल, मैं देखता हूँ इन्हें। पंगा पै गया, ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै। मारो मारो मारो। पंगा पै गया, ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया जी, पै गया कमाल हो गया, पंगा पै गया। अरे भरे बाजार में गुंडे मवालियों की तरह लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या साबित करना चाहता था तू? तू सनी पाजी है, तू धर्म पाजी है। अरे वो भी फिल्मों में लड़ते हैं, रियल लाइफ में नहीं। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं क्यों लड़ रहा था? पापा ये प्यार की लड़ाई है। ये प्यार की लड़ाई ऐसे होती है? पापा मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं अपने प्यार की हिफाजत कर सकता हूँ। यार ये दो कौड़ी की लड़की पता नहीं क्या क्या करवाएगी तुझसे। सारा शहर मुझ पे हंस रहा है कि बत्रा साहब के लड़के को लड़की मिली भी तो ये दो कौड़ी की। मत भूलिए पापा, कभी आपकी औकात भी माँ के सामने डेढ़ कौड़ी की हुआ करती थी, लेकिन माँ ने फिर भी आपसे प्यार किया और शादी भी की। आप जानते हैं ना कि आपने माँ के लिए जूते भी पॉलिश किए हैं। ये कब बताया उसने? हॉस्पिटल में। लेकिन एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। ठीक है पापा, मैं इंतजार करूंगा। करना तो पड़ेगा ही, इंतजार करूंगा मतलब मेरे मरने का इंतजार करेगा। देख रही है, मरते मरते भी क्या टुच्चापन फैलाया तूने। मैंने आज तक अपने जूते पॉलिश नहीं किए और उससे बोल दिया है कि मैं जूते पॉलिश करता था। भैया 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 भैया, ये लीजिए। अब क्या लाया है पप्पू? भैया रात भर शराबी फिल्म की डीवीडी देखकर मैंने वो डायलॉग लिखे। ये वो डायलॉग है जो अमित जी ने अपने बाप प्राण साहब को बोले थे। भैया आप भी अपने पापा को जाकर बोल दो। लेकिन अमित जी का डायलॉग बोल पाऊंगा मैं? भैया अमित जी बोल चुके, अभी आपको बोलना है। तू सच कह रहा है पप्पू, तेरी बात में दम है। भैया आपके इश्क में दम है, मैं आपके इश्क को सुन करता हूँ। तू देख पप्पू, अब मैं क्या करता हूँ।
पप्पू मेरे पैर की जीत होगी। होगी भैया होगी। हाँ मैं टाइम मत लगाओ, चले जाओ भैया। मैं जा रहा हूँ पप्पू, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। हाँ जाओ भैया जाओ। हालांकि पिछले इलेक्शन में आप बुरी तरह हार गए थे, लेकिन हम जानते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में जनता की कितनी सेवा की, इसलिए इलेक्शन के लिए हमारे कैंडिडेट आप ही होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैं वादा करता हूँ कि इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे तो फिर मिठाई तो खिलाइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे भाई वो मिठाई। पापा ये मेरा इकलौता बेटा है दिलदार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों बेटा जी, आप भी अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स के चैंपियन बनना चाहते हैं? नहीं, इसको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जाओ बेटा आराम करो। पापा मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, सबको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बेटा कल पढ़ लेंगे। नहीं आज अभी इसी वक्त। लो वो तो भाषण भी लिख के लाया है, आप कहते हैं उसको इंटरेस्ट नहीं है। इधर आ जा बेटा। ऐसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो। क्यों नहीं क्यों नहीं। पापा आपने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत शोहरत मान मर्यादा सब कुछ, लेकिन प्यार। दिलदार हमारे प्यार ने हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, बेइज्जती नहीं। माँ बाप का रिश्ता तो भगवान बनाते हैं, बाकी रिश्ते तो हम ही जोड़ते हैं ना, तो माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। सुनीता आई लव यू सुनीता, आई लव यू सुनीता, आई लव यू सुनीता, आई लव यू, आई लव यू सुनीता। भद्रा साहब, भद्रा साहब, ये क्या था? ये क्या था आप ही बताइए। सर मैंने ना उसको बोला था कि अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह नाम देसी महिला का होना चाहिए, तो उसने नाम सोचा है आई लव यू सुनीता। लड़का होशियार है। बहुत होशियार है। सुनीता नाम भी देसी है। अगर आई लव यू निकाल दें। वही मैं कहता हूँ, लव हटाई तो। हाँ तो सुनीता ठीक है। हाँ सुनीता, सुनीता ठीक है। हाँ तो बोल दीजिए उसे। जी बोल दीजिए उसे कि उसका सुझाव हमें पसंद है। जी मैं बिल्कुल कह दूंगा कि आपको पसंद है। अरे तो अभी बोल दीजिए ना, अब खुश हो जाएगा। अभी अब अब अभी बोल देता हूँ। हाँ बेटा। बोलो पापा। बेटा हाईकमान को आपको वो सुनीता वाला सुझाव बहुत पसंद आया है। सच पापा? और सुनीता मुझे भी पसंद आया है। थैंक यू पापा, मैं सुनीता को लेकर आता हूँ। यस आई लव यू सुनीता, आई लव यू। बदल गई है चाल रे इसकी, हुए नवाबी झटके। ओ बदल गई है चाल रे इसकी, हुए नवाबी झटके। पता नहीं है इश्क में देखो अच्छे अच्छे लटके। मजनूपन के हाथ में लेके, मजनूपन के हाथ में लेके घूम रहा है छल्ला। और छोरे के कर बाबली पूछ हो गया थे, बाबली पूछ। मेरा बेटा पागल हो गया है, अंधा हो गया है प्यार में, और इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने बाप की अपने खानदान की इज्जत भी नहीं दिख रही है, अपने बाप की सेहत भी नहीं दिख रही है। इसे पता है कि मुझे पैक का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, और अगर इसकी ऐसी हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे हार्ट का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। और तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूं, अमीर घरों के लड़कों को फंसाती हैं और फिर सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है। चुप, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं तुमसे, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कैश या चेक, ये भी डिसाइड कर लो। ये देखो पीठ दिखा दी, तेरे बाप को पीठ दिखा दी, शादी के बाद तुझे भी पीठ दिखाएगी ये। ये लो चेकबुक, जितना अमाउंट चाहो भर लो इसके अंदर, पकड़ो। पेन प्लीज, पेन प्लीज। सुन रहा है, पेन प्लीज लीजिए, अमाउंट भरा जा रहा है। असलियत सामने आई गई,
भाभी जी दुखी है खुश है? अरे इसको कोई केला दो, नहीं तो ये आउट नहीं मानेगा। मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ। ऐसी बॉलिंग डालूंगा एक बॉल में तुम आउट हो जाओगे। डालू कलवा। अरे क्या हुआ दीदी? अम्मा कहाँ है? अम्मा वो हाँ सब्जी लाने मार्केट गई है। ये ले पैसे। ये क्यों? जाके चूहे मारने की दवा लेकर। चूहे मारने की दवा किस लिए दीदी? घर में बहुत चूहे हो गए हैं। लेकिन मार्केट में कहाँ मिलेगी? किसी से भी पूछ लेना, मिल जाएगी। ठीक है, किसी से भी पूछूंगा, मिल जाएगी। तुम लोग खेलो, मैं मार्केट जाके आता हूँ। लो ये लो, ये केला पकड़ के रखना, किसी को देना नहीं है, मैं आकर खाऊंगा। पकड़ के रखना चूहे मारने की दवा। भैया जी, हम जब भी घर से निकलते हैं हमारे पास अलग अलग रंग की बाइक होती है, पर आज तो होना चाहिए क्योंकि हम भाभी को ढूंढ रहे हैं। पप्पू तू जानते हैं ना बाइक कितनी तेज चलाता हूँ। हाँ। सुनीता ने कितनी बार हाथ देकर रोकने की कोशिश की लेकिन मैं उसे देख ही नहीं पाता। हाँ। इससे बेटर है पैदल ही निकलते हैं। हाँ। पप्पू एक बात बता। हाँ? तेरी भाभी बहुत रो रही थी क्या? हाँ भैया, भाभी जी बहुत रो रही थी, मैं समझा खुशी के आंसू है। जब देखो मजाक का वक्त है, ये खुशी और दुख के आंसू में फर्क नजर नहीं आता तुझे? भैया जी मुझे क्या पता आंसू पे क्या लिखा रहता है, कि खुशी के आंसू है दर्द के आंसू है। पप्पू मजाक का वक्त नहीं है ये। हाँ। चल मेरे साथ। हाँ। अबे ओ, वहां का जा रहा है, घर जाएगा वापस? नहीं इधर चल। हाँ। अरे यहाँ पे चूहे मारने की दवा नहीं मिलती मेरे भाई। अब, मुझे चाहिए चूहे मारने की अरे दवा। आप गुब्बारे ले सकते हैं। अरे गुब्बारे नहीं चाहिए मुझे, मुझे चूहे मारने की दवा चाहिए। अरे जीजी ने तो कहा था मार्केट में कहीं भी जाओ किसी से भी पूछो मिल जाएगी, आप बोलते हो नहीं है, क्या देंगे? अरे कलवा क्या ले रहा है ये? अरे देखो ना इधर भैया, ये मुझे चूहे मारने की दवा नहीं दे रहे है। चूहे मारने की दवा? हाँ भैया। अरे दो पैकेट मंगवाई है दीदी ने। दीदी बहुत रो रही है। चूहे मारने की दवा? अरे घर में बहुत चूहे हो गए हैं ना। वो अम्मा जी एक ही साड़ी पहनती है, वो भी अच्छा? चूहों ने कुतर दी है, पर साड़ी नहीं पहनेगी तो अम्मा जी कलवा कलवा मेरा काम करेगा? हाँ करूंगा। तुम केले दोगे? हाँ बहुत सारे केले दूंगा। हाँ, हाँ। ये लेटर जीजी को देगा ना? हाँ दे दूंगा। हाँ लेकिन एक बात सुन। हाँ? आंटी जी को मत बताना इसके बारे में। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं तुझे बहुत सारे केले दूंगा। केले दोगे? ठीक है ठीक है। तो पहले इससे बोलो कि चूहे मारने की दवा दे। अरे चूहे मारने की दवा दिलवाता हूँ, केले भी दिलवाता हूँ। चूहे मारने की दवा नहीं मिलते, गुब्बारे मिलते। चलो चलो मैं आ गया हूँ। अभी तो बॉलिंग मत डालना, मैं बैटिंग करूंगा। रुको रुको जीजी जीजी, अभी तो बॉलिंग मत डालना, मैं खेलूंगा। फिर अभी बैटिंग बाकी है मेरी। देखो मैं गया था तो मैं खेला नहीं था। ए लो जीजी। अरे जीजी जीजी ठीक है बाद में दे दूंगा, पहले बैटिंग करता हूँ। चलो चलो चलो। मुझे माफ कर दो दिलदार। नहीं सुनीता ऐसा मत बोलो। मुझे जहर नहीं खाना चाहिए था। ऐसा मत बोलो सुनीता, मैं मरना नहीं चाहती दिलदार। अरे वैसे मेरा बच्चा लेना तो इतनी देर में पूरे अस्पताल में सबकी मैं मांग भर देता। अरे तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा मांग भर रहा है, फीलिंग के साथ भरेगा। पकड़ लिया सरदार, तेजी की मांग भर रहा था। पकड़ लिया तेजी भैया, ये देखो सरदार तेजी की मांग भर रहा था। पकड़ो उसको, बच के जाना नहीं चाहिए। अरे ये सब आपकी बच्ची के भले के लिए। अरे सरदार क्या समझता है मेरी बहन की मांग भर देगा वो? अरे पापा भागो, गोली चल रही है। अरे गोली चल रही है, भागो। तू चिंता मत कर बहन, वो सरदार बचेगा नहीं, आज भेज दिया मैंने दोनों को। भैया वो सरदार की भेज में दिलदार ही था। हा? वो मेरी मांग भरने आया था और आपने उसे भगा दिया। तेजू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी। कोई बात नहीं बहना, चिंता मत कर, ये तेरा भाई कसम खाता है तेरे सिर की, 2 घंटे के अंदर वो खुद तेरी मांग भरने आएगा और मैं भरवाऊंगा तुम्हारी मांग, चाहे डीएम हो चाहे सीएम। आज भाई सॉरी भाई, हम लोग लिफ्ट से उतरे, वो पाइप से फिसल के निकल गया, लेकिन उसकी शक्ल मेरे को याद है, 2 घंटे के अंदर ठोक डालूंगा उसको। बस कुछ नहीं करना उसको। हाँ। उसको पकड़ के लाना, उसी से मांग भरवानी है। उत्तरी वही लड़का था, भेष बदल के आया था। उत्तरी मिस फायर हो गया, गलती हो गई। ताऊ जी एक बात बताइए, आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए थे?
आपने सिर्फ भैया और भाभी को ही भेजा था। बेटा, तेरे बाप की मरने के बाद तेरी माँ ने जो हमसे रिश्ता खत्म करने की बात कही थी ना, बस वही मन में घर कर गई थी। और कोई बात नहीं थी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अलका, हमारी मेडिकल स्टोर वाली दुकान पर बैंक लोन ताऊजी की वजह से ही मिला था। वो तो ताऊजी के कहने पर ही ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। अच्छा हा? ललित, ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है। हा? यही वक्त है ताऊजी, आप लोग आपस में मिले नहीं और सबके बीच की दूरियां और बढ़ती चली गई। हाँ सही कह रहा है तू, पैसा तो बहुत कमाया लेकिन अपनों को खोकर दिल में तो बहुत इच्छा रही कि बच्चों के लिए ये भी करूं वो भी करूं। लेकिन रमाकांत के मरने के बाद जैसे सबके लिए मैं भी मर गया, किसी ने पूछा तक नहीं कि एक जवान भाई के जाने के बाद हमारा क्या हाल हुआ होगा। सब हमारे पैसों से नफरत करते रहे और हमसे भी। थोड़ी सी कसूरवार तो मैं भी हूं अलका, मैंने कमला को तेरे ताऊजी के खिलाफ बहुत सी बातें कही। किधारी लाल जी, मैं आपसे सच्चे मन से माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आपको सुनीता की कसम। छोड़ो ना मौसी, जो हुआ सो हुआ। अब देखो ना, सुनीता मरते मरते भी हम सब लोगों को एक कर गई। अगर आज मैं जिंदा होती तो। देख, एक बाप ने अपना वादा पूरा किया, अब बारी बेटी की है। पापा, आपने मेरे प्यार के लिए इतना कुछ किया, काफी है। तेरे प्यार के लिए नहीं बेटा, मैंने अपने बेटे के लिए किया है। और आज तक तू यही समझता आया कि मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक राज की बात मैं तुझे बताऊं, बेटा मैं तुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जा, बाहर एसी बस खड़ी हुई है, हरी द ड्राइवर तेरा वेट कर रहा है, कहीं चला जा शहर से बाहर, और जब तक मैं ना कहूं वापस मत आना। एक बार मिला दे यार और अब्बा तै की सोचिया, एक बार मिला दे यार और अब्बा तै की सोचिया, मेरा बिछड़ गया दिलदार और अब्बा तै की सोचिया, ओ तै की सोचिया, तै की सोचिया, एक बार मिला दे यार और बात है कि सोचिया। सोते हैं जिनकी खातिर तड़पू में वो जान हमारी होते हैं, बोझिल कंधे चाहत के फिर कैसे
ऐसा गम ये ढोते हैं, अब जीना है दुश्वार, ओ अब जीना है दुश्वार। रब्बा तै की सोचिया मेरा बिछड़ गया दिलदार, रब्बा तै की सोचिया ओ तै की सोचिया तै की सोचिया। सजनी के अब एक पल भी मुश्किल है, जीना मेरा बिन सजनी के अब एक पल भी मुश्किल है, लगने लगा है जैसे मेरी नस नस में वो शामिल है, दौड़ रही है कातिल है, कहीं मुझको ना दे मार, ओ कहीं मुझको ना दे मार। रब्बा तै की सोचिया मेरा बिछड़ गया दिलदार, रब्बा तै की सोचिया ओ तै की सोचिया तै की ललित जी। ताऊजी किलोमीटर का बोर्ड ही नहीं दिख रहा, पता ही नहीं लग रहा कि कितना पहुंच गए हम, कितना बाकी है। ये कोई 101 किलोमीटर रह गया होगा ताऊजी। अच्छा, जब नजदीक आ जाए तो जरा कमला को फोन कर देना, बताना कि थोड़ा रुक जाए, आ रहे हैं हम। जी ताऊजी। हाँ बताओ, 12 घंटे से बर्फ की सिल्ली पर लेटी होगी सुनीता, मेरी नीली पड़ गई होगी। हेलो। हाँ हरी। हाँ जी बेटे को फोन दे जरा। अजी वो तो रास्ते में उतर गया हाईवे पे। हाईवे पे उतर गया था? हाँ जी। तो तू कहाँ? आपने जहाँ पहुँचने के लिए बोला था मैं तो पहुँच गया। जब लड़का ही नहीं है तो बस को शहर से बाहर भेजा था क्या? नहीं। अबे सारे के सारे पागल हो गए। अब एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अब ये ताऊ जी, हाँ। ये बस 5 किलोमीटर रह गया है, मैं फोन लगा लेता हूँ नहीं तो आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। लादे। हेलो। जी मम्मी, मैं ललित। अरे ललित कैसे हो? हाँ हाँ हम आ रहे हैं जी, ताऊ जी भी साथ में ही है। क्यों वो भी आ रहे हैं? हाँ वो भी साथ में ही आ रहे हैं। वो तो ठीक है पर जीजी और अलका तो आ रहे हैं ना साथ? हाँ हाँ वो भी साथ में ही है ना। वो ये सुनीता की डेड बॉडी। अरे हाँ लो सुनीता से बात करो। नमस्ते जीजा जी। सुनीता आप तो अपनी साली को भूल ही गए। आप और जीजी जल्दी से आ जाओ ना, मुझे जीजी की बहुत याद आ रही है। अरे ये क्या कैसे पड़ गए? अरे क्या मामला हो गया ये? कमला को सुनीता कह रहा है। क्या हो गया जी, चेहरे पे एकदम सन्नाटा क्यों छा गया? क्या हुआ ताऊ जी? सुनीता तो जिंदा है। क्या जिंदा? जिंदा? हाँ तो फिर ये खबर किसी ने उड़ाई, लगता है किसने उड़ाई होगी। अरे तो पता नहीं, इन्होंने फोन उठाया था, इन्होंने कहा कि सुनीता मर गई, फैला दिया सब जगह। अरे बहरा तुम्हारा पति
कान से मशीन निकल गई होगी और उसने उड़ा दी। सुनीता मर गई, सुनीता मर गई, सुनीता मर गई। हाँ बताओ क्या? परताव जी, सुनीता जिंदा है ये भी तो खुशी की बात है ना। हाँ। पास ही मिठाई की दुकान है, पेड़े ले लेते हैं। हाँ। मुंह मीठा करते हुए हाँ, चलते हैं। आइए सरदार, आइए आइए। सरदार, इस बार आपने पार्टी से नाम पूछे बगैर उसे गोली मार दी। क्या, मरने से पहले नाम बताया तो था उसने? बताया था, मैंने सुना नहीं। अब आप कह रहे हैं तो सही होगा, आप महान हैं सरदार, आप महान हैं। अरे महान हम नहीं है लाखा, महान तो ये है जो इन्होंने हमें इस अच्छे काम पर लगा के रखा है। हाँ, हाँ, करने वाले तो ये हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया है। अरे तुम, हमारी बहन सुनीता का अंतिम संस्कार हो गया, देसी घी जलाया, चंदन की लकड़ी जलाई, खुशबू आई और तुम पेड़े खरीद रहे हो? जी जी, वीडियो बनाया कि नहीं? और बनाया तो अब तक हमारे सरदार को भेजा क्यों नहीं? अब जी नहीं, वो सुनीता के मरने की खबर झूठी निकली। अरे बहुत, ये तो बहुत बड़ी खुशी का, बहुत सीरियस थी लेकिन बच गई। सरदार सरदार, ये आदमी मुझे बहुत चालाक लग रहा है, ये आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आप कहते ठोक दूंगा इसे। नहीं 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 नहीं, ठोका ठाकी नीचे, बंदूक नीचे नीचे करो। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, और वैसे भी ऊपर वाले के घर पर हम किसी को ऊपर नहीं भेजते। हमारे पैसे वापस करो। जी 10,000 ज्यादा निकालना ब्याज के। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा लग रहा है, हमारे सरदार के पैसे 8 घंटे रोलिंग किए, ज्यादा लग रहा है, निकाल निकाल। दे रहा हूँ भाई साहब, दे तो रहा हूँ। सुनीता, सरदार सुनीता जिंदा बच गई, ये तो आपके लिए भी खुशी की बात है ना? हाँ, हाँ, हाँ। आपकी छोटी बहन का नाम भी सुनीता था ना? हाँ, आप बहुत प्यार करते थे ना उससे? हाँ, बहुत प्यार करते थे। हाँ। सरदार ये फिर से आपकी भावनाओं से खेल रहा है, मैं बता रहा हूँ। खेलने दो। हाँ? एक काम करो मेरे दोस्त। जी सरदार। तुम वो पैसे रखे रहो। जी। सुनीता को हॉस्पिटल का बिल हमारी तरफ से दे देना। जी सरदार। हमारी बहन बच गई, हमारी बहन बच गई। सरदार की जय, सरदार की जय, सरदार की जय, सरदार की जय। मुझे मेरा बेटा चाहिए आज अभी। साहब जी आप चिंता ना करो, आज के आज ढूंढ निकालेंगे जी आपके छोरे को। पूरे शहर में ना नाकाबंदी करा दिया जी, और अस्पताल में भी ना वो सर्दी वर्दी में मारे लोग गए जी। सब जी वो घंटी बज रही है। अरे घंटी क्या, मेरा तो सब कुछ बज रहा है यार। ना सब जी फोन की घंटी बज रही है। अच्छा फोन की, ओ हेलो। सर जी आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। अरे चलो शुक्र है, गुड न्यूज आई तो सही। बोल। लड़की खतरे से बाहर है सर जी। अच्छा, अरे ही मेरा लांडा बस से गायब है और ये लड़की ठीक हो रही है। अबे कहीं मेरा बेटा वहीं तो नहीं है? पता नहीं सर जी, इधर तो नहीं दिखा मुझे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास इस वक्त बुढ़िया से अपमान का बदला लेने का बहुत सुनहरा मौका है सर जी। तो आइए आइए और बुढ़ी से अपने इस अपमान का बदला लीजिए। अरे कमला, सुनीता, कमला, ए कमला, ए मौसी, हॉस्पिटल है घर नहीं है? अरे पता है मुझे ललित, 16 घंटे का सफर करके आ रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या अस्पताल है कि घर है। तो अरे सुनो। हाँ जी। ये सुनीता कौन से वार्ड में है? आप लोग कौन है सुनीता के? अच्छा तो अब हम बताएं कि हम कौन है सुनीता के? हा? ये ताऊ जी है सुनीता के, और इन्हीं का हाथ है सबके सर पे, और हमें उसके जीजा, और हमें उसकी मौसी, और मैं सुनीता की सबसे बड़ी बहन अलका। नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद तो ले लिया, आप तो बता दे कौन से वार्ड में है। वार्ड नंबर 6, बेड नंबर 1। बड़ी फेमस हो गई सुनीता। अच्छा। बड़ी फेमस, देख लो मौसी। चलो मौसी। ये सुनीता का वार्ड कौन सा है? सुनीता का वार्ड वो, हाँ 6 नंबर वो। एक मिनट, आप लोग कौन? आप लोग कौन? हाँ यार, जो मिलता है हॉस्पिटल में पूछता है आप लोग कौन, नहीं बताएंगे हम लोग कौन? ए भाई, कौन है ये लोग? ये लोग सुनीता के ताऊ जी, उसकी मौसी, उसके जीजा जी, उसकी बहन, सबका आशीर्वाद ले लिया मैंने। तूने आशीर्वाद ले लिया और मैंने पंगा ले लिया। अरे यार, मैंने बत्रा साहब को यहाँ पर बुढ़िया से अपने अपमान का बदला लेने के लिए बुलाया, वो यहाँ आएंगे तो ये परिवार वाले उनका भुर्ता बना देंगे, और उसके बाद बत्रा साहब मेरा कीमा, मेरी आज अस्पताल से छुट्टी। अम्मा, अम्मा, ताऊ जी आ गए। ताऊ जी आप कहाँ थे इतने दिन, हमसे मिलने क्यों नहीं आए? आ गया ना बेटा। बस कर हुआ, बस
तेरा इलाज भी करवाऊंगा। तू चलेगा हमारे साथ? हाँ। अपने अमित भैया के साथ काम करेगा, खूब बड़ा आदमी बन जाएगा, रमाकांत का नाम रोशन करेगा। रोशन करूंगा, अब्बा डांटती है मुझे, अंगूर खाने नहीं देती। ए कमला, खबरदार जो इसको डांटा था। बस बस लेटी रहे। तू ठीक हो गई, तेरी वजह से वापस हम सब मिल गए। वैसे तेरा ये ताऊ इतना बुरा नहीं है जितना तुम सब समझते हो। थोड़े से गले शिकवे थे, वो सब माफ हो गए। अब देखना तेरे ताऊ तेरी शादी कितने बड़े घर में करता है। भगवान ने बेटिया तुम दोनों के रूप में दिए मुझे। ओए गाड़ी साइड में लगा, देखता नहीं सरदार की गाड़ी आ रही है? क्या बे? क्या कर रहे हो तुम? क्यों रास्ता रोका हमारा? जानते नहीं हम कौन है? अगर मेरी सुनीता हॉस्पिटल में नहीं होती ना तो तुम सबकी बैंड बजा देता। कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा। लखा सरदार, एक और सुनीता। जाओ बेटा, जाओ और अपनी सुनीता को बचा लो। डाकू करतार सिंह तुम्हारे साथ है। डाकू? खाली डाकू नहीं है सरदार, इस एरिया के विधायक भी हैं। सरदार की जय! सरदार की जय! हमारा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम भी हमारी तरह एक अच्छे डाकू बनोगे। है? जिस दिन हमने भी पहली बार बंदूक उठाई थी उस दिन हमने भी यही कहा था, सबकी बैंड बजा दूंगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और आपने क्या बैंड बजाई थी, क्या बैंड बजाई थी। सरदार की जय! सरदार की जय! सर मुझे हॉस्पिटल जाना है, सुनीता की बहुत तबीयत खराब है, मुझे केले लेकर जाना है। फौरन जाओ, तुरंत जाओ और सुनीता को केले खिलाओ, उसको जूस पिलाओ, उसको बिल्कुल ठीक कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। जान दे इसको, जान दे, नसीब वाला है, सरदार ने पास कर दिया इसको। चला गया, चला गया। लाखा सरदार, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ। आज एक नहीं दो सुनीता बच गई। हाँ। ईश्वर जरूर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है सरदार? वो जरूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कह रहा होगा। अरे मैं ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ओ जय हो, जय हो। ईश्वर हमसे कह रहा है कि हमें कुछ नेक काम करना चाहिए। तो सरदार क्यों ना आपके आशीर्वाद से स्वर्गीय सुनीता बहन के नाम पे एक आलीशान अस्पताल शुरू किया जाए। आलीशान, आलीशान। सुनीता अस्पताल। हाँ। जहाँ गरीब डाकुओं का इलाज किया जाएगा। बस कमला, बस बस, आज रमाकांत जिंदा होता तो ये सब नहीं होता। बस अब तुम सब मेरे साथ चलोगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। हमारे खानदान की इज्जत बहुत उछल चुकी है इस शहर में, इसके बाद यहाँ रहना मुश्किल है। और वो लड़का कहाँ गायब हो गया है? उड़ गया उसका प्यार, छोड़कर चला गया अपने बाप के साथ। ऐसा ला प्यार। ललित जरा डॉक्टर से पूछो हम सुनीता को कब घर ले जा सकते हैं। जी ताऊ जी। देखो ताऊ जी ने बोला है सामान वामान पैक कर लेना, निकलना है। हाँ, हाँ। एक और। सुनीता ये तो किसी से भी सेट हो जाती है, पहला वाला जहर उतरा नहीं हो, दूसरी बार जहर खाने की तैयारी कर रही है। देखो वार्ड बॉय के हाथ से केला खा रही है, तुम्हारी फैमिली में कोई स्टेटस है कि नहीं? हे भगवान, ये सुनीता को क्या हो गया? पहले तो ऐसी नहीं थी। वही तो कह रहा हूँ, फैमिली में कोई कमिटमेंट है कि नहीं? हुँ? किसी से भी सेट? देखो तुम पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनी इनको तो संभालो, वार्ड बॉय खाने को केले ही मिला। ताऊ जी आपका फैसला बिल्कुल सही है, इनको वहां ले ही चलो अपने साथ। शहर का माहौल बहुत ही अजीब है, और इस हॉस्पिटल का तो और ही खराब है ताऊ जी, कहीं दोबारा नौबत ना आ जाए। बैठो, हम डॉक्टर से बात कर लिए ताऊ जी। अच्छा,
बैलेंस इलाज हम वहीं करवा लेंगे। तो बताओ ये वार्ड बॉय भी, वार्ड बॉय अब छोड़ो ताऊ जी, अब क्या बताए। ताऊ जी मैं एक ले लूं? हाँ बेटा खा लो, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। आ भाई सिंह, अरे कहाँ वो पागल बुढ़िया, अरे अब तो सुसाइड नोट वापस कर दे, लौंडिया बच गई है उसकी। ताऊ जी ये वही आदमी है जिसने अम्मा को गाली दी थी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे खुला सांड कहाँ से आ गया? अरे चिंता ना करो जी, अभी धर लेता हूँ मैं इसने, अब कोई नहीं जाएगा। है भाई ये कोई तरीका है औरतों से बात करने का? हमारी सासू माँ को गाली दोगे? पता है हम कौन है? पता है हम कौन है? कौन है ये? मारे को तो रिश्तेदार लगे हैं जी। अच्छा मतलब लड़का लड़की नहीं, पूरा कुनबा का कुनबा ही पागल है। हाँ जी अजी, आप चिंता ना करो जी, दो मिनट में सबने धर लूंगा मैं, समझ गए ना? अब तो बस तमाशा देखते रहो जी। अरे पीछे लेडीज भी हैं। कमला इस मोटे की सुनी तूने? अरे चीर डाल उसे, मैं कहती हूँ चीर डाल कमला। हाँ आ चीर दे, मार डाल। पीछे भी पागल है। चीर दे, छोड़ मत उसको। कमला अरे बक गाली, मैं खड़ी हूँ ना। जी जी छेड़ जी खड़े हैं, कैसे बकूं गाली? अरे मैं हूँ ना, बक दे गाली, दे गाली। जी जी मेरी हिम्मत ना हो रही। ललित तू ही बक दे गाली। अकेले अब पूरे परिवार में बीती है तो सब मिलके देंगे, और फिर बड़ों के सामने मुझसे गाली वाली? अबे पता नहीं है तेरे को कितने सरों पे हाथ है इनका। अरे यार कौन है ये जिसका हाथ हर एक के सर पे है, हाथ है कि जाता है? अरे तो बता दे कौन है ये? ताऊ जी है हमारे, अब हम सबके सर पे ताऊ जी का हाथ है। जब हम सबके सर पे ताऊ जी का हाथ नहीं था ना, तो हम सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, समझे तुम? रह चुप कर, बड़ी देर से तुम सब लोगों की बकबक सुनने जा रहा हूं मैं। कल से इनका छोरा गायब है, FIR दर्ज करा दिया है। बताने ना कि इनका छोरा किधर है, तो सबको अंदर कर दूंगा। क्यों बहू, यही है ना वो? हाँ जेठ जी यही है वो कुत्ता, कमीना कहीं का। इसके लड़के के चक्कर में हमारी बेटी सुनीता ने जहर खाया। और तेरा वो बुजदिल लड़का उसे छोड़कर भाग गया। तुम जैसे बड़ों को तुम्हें जेब में लेकर घूमता हूँ, समझा ना? रहता हो मैं पहली बार कमिटमेंट करता हूँ ना, तो खुद की नहीं मानता हूँ, और दूसरी बार जब मैं कमिटमेंट करता हूँ ना, सामने वाला नहीं मानता, और तीसरी बार जब मैं कमिटमेंट करता हूँ ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। अरे जब वैल्यू नहीं रहती तो करता काय को है कमिटमेंट? चुप रे, अगर ज्यादा बोले ना तो सबको लपेटे में ले लूंगा। अरे लपेटे में तो तू आ गया बेटा। तेरे कमिश्नर का नाम गोवर्धन पांडे है ना? बोला पांडे है ना? हाँ है तो। हाँ चल फोन लगा उसे और पूछ गिरधारी कौन है, और गृह मंत्री को भी फोन लगा लो और पूछ कि ताऊ जी कौन है। सुनीता मेरी बेटी है, और उसके लिए तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं, समझा ना? अरे तू क्या सुनीता को ब्याह के ले जाएगा, तेरे औकात क्या है मेरे सामने? सर जी एक मिनट, इसकी औकात मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड फोन सुन लूं मैं। हाँ जी बोलो जी। हम कमिश्नर पांडे बोल रहे हैं। हाँ सर। गिरधारी लाल जी को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? घर का मामला सर, हो जाएगा सर, सॉल्व हो जाएगा सर। जल्दी करो जल्दी, फास्ट क्विक। ओके सर ओके। रहिए तो अपने ताऊ जी है, ताऊ जी आशीर्वाद दे दो। क्या कर रहा है सिंह? कमिश्नर का फोन आ गया था। उसको कैसे पता चला? मिनिस्टर ने फोन कर दिया था। अच्छा अच्छा ताऊ जी, मालूम पड़ गया ना अब कि मैं कौन हूँ, ये गिरधारी कौन है। हाँ जी हाँ जी। पता है तेरा बेटा इतना बुजदिल क्यों है? क्योंकि तू बहुत बड़ा बुजदिल है, औरतों से जबान दराजी करता है, तुम्हारा खून ही ऐसा है। बस कीजिए ताऊ जी, मैं अपने पापा की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जी यही है ये तो चपरासी लग रहा है। जो पावर आप पापा को दिखा रहे हैं ना, वही पावर पहले पापा दिखा रहे थे ने। मैं इन्हें सुनीता की वजह से पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूं, आपको इन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और ताऊ जी
आज जो सुनीता ठीक हुई है ना, वो सब आपके पावर, पैसे या दवाइयों से नहीं, ये सब प्यार की ताकत से हुआ है, सच्चे प्यार की ताकत से। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई और मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा, कुछ ना कर सका। आप यही चाहते हैं ना, मैं सुनीता को छोड़ दूं? छोड़ दिया, आज अभी इसी वक्त छोड़ दिया उसे। जो लोग मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी बेटी से मैं कैसे शादी कर सकता हूं? देख लिया, हमारा खून गंदा नहीं है, संस्कार दिए हमने अपने बच्चों को, बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, और मेरे बेटे का फैसला तो सुन ही लिया आप लोगों ने। जाइए, अपनी बेटी को संभालिए। हाँ ठीक है, चलो जी जी, चलो पापा हम भी चलते हैं। जरूर चलेंगे बेटा, लेकिन अपनी बहू को साथ लेकर जाएंगे। पापा, पापा क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं आप सब लोगों से अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। अरे वाह, हृदय परिवर्तन, बेटा सुधर गया क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ताऊजी, प्यार है तो सच्चा। ठीक है जी, हमने अपनी बेटी आपको दी। लो, बहुत-बहुत मुबारक हो जी। चल बेटा चल। थैंक यू पापा। जल्दी से मांग भर दे, शादी तो होती रहेगी। क्योंकि सारा झगड़ा जो है मांग भरने से शुरू हुआ था। अरे पर सिंदूर कहाँ है यार? सिंदूर लाओ ना जीजा जी। ये लेके घूमता है सिंदूर। हमारे प्यार की जीत हुई ना सुनीता? हाँ दिलदार, हमारे सच्चे प्यार की जीत हो गई। अच्छा दिलदार, पप्पू को तो यहाँ साथ नहीं लाए हो ना? पागल है क्या, पप्पू का यहाँ क्या काम? रेडी 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 रेडी, वन 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 वन, वन टू थ्री फोर। सकीना बस होगा, बैंड बजाना बाराती लाऊंगा। Let's go, baby।